Hello, dear friends. Now we are going to start ENT test and discussion. So हम लोग इसको try करेंगे कि जल्दी से जल्दी complete ENT एक basic concept बना के चले, ठीक है? तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं laryngocele से. तो laryngocele आप देखिएगा, laryngocele जो है ये एक air filled cystic swelling होती है. लैरिंग्स के अंदर क्या होगा, एक एयर फिल्ड सिस्टिक स्वेलिंग बन जाती है. किस वजह से बनती है? ड्यू टू डायलेशन ऑफ द सैक्यूल्स. ठीक है, क्या होती है ये? एयर फिल्ड कैविटी होगी, एयर फिल्ड, ठीक है, एयर फिल्ड सिस्टिक स्वेलिंग. एयर फिल्ड सिस्टिक स्वेलिंग होगी ये, है ना? और ये क्यों बनती है? ड्यू टू द डायलेशन ऑफ सैक्यूल. क्यों बनेगी? ड्यू टू डायलेशन ऑफ सैक्यूल. सैक्यूल के डायलेशन की वजह से बनती है. ठीक है, देखिए ये दो तरीके की होगी. जैसे एक्वायर्ड लैरिंगोसील, एक्वायर्ड लैरिंगोसील के अंदर क्या होगा? एक्वायर्ड लैरिंगोसील ये इंक्रीज होती है, इसमें इंक्रीज्ड प्रेशर इन द लैरिंजियल ल्यूमन. ये एक्वायर्ड है, इसके अंदर क्या होगा? लैरिंजियल ल्यूमन के ऊपर ये प्रेशर बढ़ाती है. कैविटी सेम है, एयर फिल्ड सिस्टिक स्वेलिंग होती है ड्यू टू डायलेशन ऑफ द सैक्यूल. बट इसका जो डायलेशन है वो इतना होगा कि ये जो लैरिंग्स की ल्यूमन होती है, लैरिंजियल ल्यूमन होती है, उसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज कर देती है. इंक्रीज प्रेशर इन द लैरिंजियल ल्यूमन क्या होगा इसमें? एक्वायर्ड लैरिंगोसील के अंदर इंक्रीज प्रेशर इन लैरिंजियल ल्यूमन. लैरिंजियल ल्यूमन के अंदर क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, एक्वायर्ड लैरिंगोसील के केस में. और इसके साथ एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा, विंड इंस्ट्रूमेंट प्लेयर. क्या मिलेगा? विंड इंस्ट्रूमेंट प्लेयर. जब भी ये दिखे तो दिस इज द टाइप ऑफ एक्वायर्ड लैरिंगोसील जो कि किसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो रहा है. ठीक है, इसके बाद लैरिंगोसील में भी इन्फेक्टेड ऑल्सो. एक तो मैंने एक्वायर्ड बताई जो कि किसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से हुआ है ना. दूसरा है लैरिंगोसील, इट कैन बी इन्फेक्टेड लैरिंगोसील. ठीक है, इन्फेक्टेड हो सकता है ये, और इट में भी इंटरनल एक्सटर्नल और मिक्सड भी हो सकती है. तो इंटरनल एक्सटर्नल और मिक्सड में डिफरेंस क्या है? देखिए, इंटरनल कन्फाइंड विद इन द लैरिंग्स एंड लुक लाइक अ डिस्टेंशन ऑफ फॉल्स कॉर्ड एंड एरी एपिग्लॉटिस फोल्ड. ऐसा लगेगा जैसे कि एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड बना हुआ है ना. तो ये होगी इंटरनल. एक्सटर्नल जो सैक्यूल हर्निएट हो जाएगा थ्रू द थायरॉइड मेम्ब्रेन, और ये नेक में प्रेजेंट आपको दिखेगा. एक्सटर्नल के अंदर क्या होगा? जो सैक्यूल्स बना हुआ है, जो सिस्टिक फील्ड कैविटी है ड्यू टू द डायलेशन ऑफ सैक्यूल, ये सैक्यूल क्या करेगा? ये हर्निएट हो जाएगा. किसके थ्रू? थायरॉइड मेम्ब्रेन के थ्रू हर्निएट हो जाएगा. ठीक है, ये एक्सटर्नल टाइप होगी बिकॉज ये हर्निएट होके बाहर आ गया और प्रेजेंट है नेक में. ठीक है, मिक्सड के अंदर क्या होगा? इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही कॉम्पोनेंट रहेंगे, हर्निएट भी हो जाएगा और अंदर की तरफ भी इसका जो डायलेशन है वो रहेगा. इस तरीके से मिक्सड हो जाएगा. अब हम देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे. क्लिनिकल फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो जब भी लैरिंगोसील की बात आती है, क्लिनिकल फीचर विद द लैरिंगोसील, तो सबसे फर्स्ट होगा हॉर्सनेस ऑफ वॉइस. क्या होगा? हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, हॉर्सनेस. ठीक है, हॉर्सनेस होगी, कफ होगी. और मान लीजिए कि जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अगर लैरिंगोसील लार्ज हो जाती है, जैसे मैंने आपको एक्वायर्ड लैरिंगोसील के अंदर बताया था, तो एक्वायर्ड लैरिंगोसील क्या करती है? ये प्रेशर क्रिएट करती है लैरिंजियल ल्यूमन के ऊपर. तो यहाँ पे क्या होगा, अगर साइज लैरिंगोसील का बढ़ गया है तो इट कैन बी प्रेजेंट विद इन द एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन. इसका नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर हो सकता है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर वे, कफ हो सकता है. ठीक है, इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर वे, याद रखिएगा. ठीक है, तो कॉमन प्रेजेंटेशन ये हो सकती है क्लिनिकल फीचर में लैरिंगोसील की. ठीक है, इट इज रिड्यूसेबल स्वेलिंग होती है इन द नेक विद द इंक्रीज विच इंक्रीजेस इन द साइज ऑन द कफिंग. जब पेशेंट को कफ होता है तो जो एक्सटर्नल लैरिंगोसील होगा जो बाहर हर्निएट होके आ गया है, उस केस में क्या होगा कि लैरिंगोसील का साइज इंक्रीज हो जाएगा विद इन द कफिंग. ठीक है, और समटाइम परफॉर्मिंग वाल्सल्वा.
वाल्सल्वा परफॉर्म करते हैं उस टाइम भी लैरिंगोसील का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो डायरेक्ट लैरिंगोस्कोप के थ्रू इसकी डायग्नोसिस करेंगे। कैसे करेंगे? डायरेक्ट लैरिंगोस्कोप के थ्रू। ठीक है, और देखिए सॉफ्ट टिश्यू होता है ये, इसलिए हम एंट्रियो पोस्टीरियर और लेटरल व्यू ऑफ द नेक विद वाल्सल्वा चेक करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द सिंपल डायग्नोसिस। ठीक है, इसके अलावा ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट इंटरनल लैरिंगोसील अगर है तो ट्रीटेड बाय द एंडोस्कोपिक लेजर सर्जरी। अगर इंटरनल है तो कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट बाय द एंडोस्कोपिक लेजर सर्जरी। चलिए मैं यहाँ ट्रीटमेंट लिख देता हूँ। ठीक है, ट्रीटमेंट कैसे होगा इंटरनल का? कैसे होगा इंटरनल का? होगा लेजर सर्जरी के थ्रू। ठीक है, और जो कि एंडोस्कोपिक लेजर सर्जरी होगी, एंडोस्कोपिक लेजर सर्जरी होगी। ठीक है, और अगर एक्सटर्नल है तो एक्सटर्नल लैरिंगोसील तो थायराइड मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर आ गई है। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में ट्रांस सर्वाइकल अप्रोच लगाएंगे और सर्जरी करेंगे। ठीक है, एक्सटर्नल के केस में क्या करेंगे? ट्रांस सर्वाइकल अप्रोच फॉर द सर्जरी। ठीक है, ट्रांस सर्वाइकल अप्रोच के थ्रू सर्जरी करेंगे। देखिए अदर लैरिंजियल प्रेजेंटेशन भी हो सकती हैं, जैसे स्टीपल साइन जिसे हम क्रोप के अंदर दिखेगा। अगर मान लीजिए क्रोप की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या दिखेगा? स्टीपल साइन। ठीक है, और थंब साइन एक्यूट एपिग्लोसाइटिस पे दिखता है। देखिए ये दो अलग से याद रखिएगा। अगर मान लीजिए लैरिंगोसील में हॉइशनेस ऑफ वॉइस और ये सारे फीचर्स जो मैंने आपको एक्सटर्नल और इंटरनल लैरिंगोसील के बताए हैं, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवे और ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, डायग्नोसिस कैसे करेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर क्रॉप के अंदर आप देखोगे स्टीपल साइन, और अगर एक्यूट एपिग्लोटाइसिस आपने देखा होगा, एक्यूट एपिग्लोसाइटिस आपने देखा होगा मोस्टली एक्सरे पे, है ना, एक्यूट एपिग्लोसाइटिस, और इसके अंदर दिखता है थंब साइन। इसके अंदर क्या दिखेगा? थंब साइन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसमें क्वेश्चन कई तरीके से आ सकता है, बट लैरिंगोसील को आप आसानी से पहचान सकते हो। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है अ ट्रम्पेट ब्लोअर प्रेजेंट विद लेफ्ट साइड ऑफ नेक स्वेलिंग। नेक स्वेलिंग है लेफ्ट साइड में। ठीक है, एक्सरे रिवील्ड, एक्सरे क्या दिखाएगा? एक साइन दिखाएगा थंब जैसा, यानी कि स्वेलिंग दिखाएगा नेक में आगे की तरफ, तो वो एक्सटर्नल लैरिंगोसील होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 45 ईयर का एक पेशेंट है, 45 ईयर ओल्ड मेल, ओल्ड मेल, ठीक है, प्रेजेंटेड विद रिकरेंट साइनसाइटिस। अब सर्जिकल इंटरवेंशन एडवाइस किया गया है फॉर दिस पेशेंट। Which of the swelling, which of the following is gold standard investigation before the endoscopic surgery? Like functional endoscopic sinus surgery, है ना? अगर हम functional endoscopic sinus surgery करते हैं तो उससे पहले gold standard investigation क्या है? Gold standard investigation क्या है? कोई भी patient आया और उसकी एज मैंने आपको बता दी लगभग 45-50 साल के लगभग है, ठीक है, उसको recurrent sinusitis है। क्या है? रिकरेंट साइनसाइटिस। अब इसको क्या बता दिया डॉक्टर ने? एडवाइस कर दिया कि आपको सर्जिकल इंटरवेंशन कराना होगा। ठीक है, तो बिफोर द फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी व्हाट इज द स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन? तो क्या करेंगे हम? सीटी स्कैन। सीटी स्कैन इज द स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इस केस में सीटी स्कैन क्या है? स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन। देखिए सीटी स्कैन यहाँ पे साइनस के लिए विल टेल द एक्सटेंशन ऑफ डिजीज। क्यों है सीटी स्कैन? क्योंकि ये सीटी स्कैन साइनसिस की डिजीज का एक्सटेंशन बताती है। क्या बताती है? एक्सटेंशन, कि डिजीज कितनी एक्सटेंड हुई है। ठीक है, साइनस एक्सटेंड, एक्सटेंडेड डिजीज या एक्सटेंशन ऑफ द डिजीज। ठीक है, तो ये क्या बताएगा? सीटी ऑफ द साइनसिस विल टेल द एक्सटेंट ऑफ द डिजीज, प्रीडिस्पोजिंग स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज, अमाउंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बोनी वॉल्व्स एंड एक्सटेंशन ऑफ ऑर्बिट एंड ऑल्सो द क्रेनियल कैविटी।
The investigation of choice for the diagnosis of the sinuses is also CT scan. तो कभी भी diagnosis of the sinuses की बात आ रही है, then gold standard investigation is a CT scan. चाहे फिर हम उसके लिए functional endoscopic sinus surgery कर रहे हो या ना कर रहे हो, but अगर gold standard investigation की बात आती है, then CT scan is the gold standard investigation for the sinuses. Next question है, pharyngeal pouch is located between. Pharyngeal pouch कहां होता है? Pharyngeal pouch located between. तो देखिए, pharyngeal pouch located होता है thyropharyngeus and cricopharyngeus के बीच में. कहां अपडेट होगा? कहां located होगा? Thyropharynx and cricopharynx के बीच में. उसे हम कहते हैं pharyngeal pouch. और pharyngeal pouch को हम already hypopharyngeal diverticulum और Jenker's diverticulum भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? दिस इज द फेरेंजियल पाउच, ऑल्सो नोन एज हाइपोफेरेंजियल पाउच, हाइपोफेरेंजियल डाइवर्टिकुलम, हाइपोफेरेंजियल डाइवर्टिकुलम और Jenker's डाइवर्टिकुलम. ठीक है, Jenker's डाइवर्टिकुलम. तो देखिए, Jenker's डाइवर्टिकुलम और आपको मेन है ना लोकेशन बतानी है, तो ये थायरोफेरेंजियस और क्रिकोफेरेंजियस के बीच में होता है. इसके बीच में होगा, थायरोफेरेंजियस और क्रिकोफेरेंजियस के बीच में. लेकिन ये जो थायरोफेरेंजियस और क्रिकोफेरेंजियस होता है, इसके बीच में एक वीक एरिया होता है, वीक स्पेस होता है, जिसको हम कहते हैं किलियंस देहिसंस. क्या बोलते हैं? किलियंस देहिसंस. ठीक है, और ये जो किलियंस देहिसंस होता है, इसी के अंदर होता है Jenker's डाइवर्टिकुलम. यानी कि किलियंस डेसेंस किसके बीच में होगा? थायरोफेरेंजियस और क्रिकोफेरेंजियस के बीच में. थायरोफेरेंजियस एंड क्रिकोफेरेंजियस के बीच में. और ये जो थायरोफेरेंजियस और क्रिकोफेरेंजियस का जो आप अटैचमेंट देखोगे, तो ये क्रिकोइड कार्टिलेज के साथ में क्रिकोफेरेंजियस और थायरॉइड कार्टिलेज के बीच में इसका अटैचमेंट थायरॉइड कार्टिलेज के साथ मिलेगा, थायरोफेरेंजियस का. ठीक है, और इनके बीच में एक वीक एरिया होता है दोनों मसल्स के बीच में, जिसका नाम है किलियंस देहिसंस. और उस किलियंस देहिसंस से एक डाइवर्टिकुलम, एक पाउच जैसा निकलता है बाहर की तरफ, उसे कहते हैं फेरेंजियल पाउच और हाइपो फेरेंजियल डाइवर्टिकुलम या फिर Jenker's डाइवर्टिकुलम. ठीक है, और ये देखिए, ये एक्चुअली जब हम किलियंस डेसेंस की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो वीक एरिया होता है बिटवीन टू पार्ट ऑफ इंफीरियर कॉन्स्ट्रक्टर मसल्स, है ना, इंफीरियर कॉन्ट्रैक्टर मसल हैज अ टू पार्ट थायरोफेरेंजियस मसल विद ओब्लिक फाइबर्स ऑफ क्रिकोफेरेंजियस मसल्स विद द ट्रांसवर्स फाइबर्स. ठीक है, तो इनके बीच में ये एरिया होगा. और आपको पता है, जब Jenker's डाइवर्टिकुलम बाहर की तरफ आता है, निकल जाता है, तो जो पेशेंट फूड ले रहा है, जो भी खा रहा है, वो उसके अंदर भर जाएगा, फिलिंग हो जाएगी. ठीक है, और उसके अंदर फिलिंग हो जाएगी तो क्या होगा? हेलिटोसिस, स्मेल आएगी. कल हमने क्या खाना खाया था, कल पेशेंट ने क्या खाना खाया था, वो आज आप बता सकते हो. ठीक है, तो इस तरीके की स्मेल आएगी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेशेंट है अपने पास विद हाइपोफेरेंजियल कार्सिनोमा. पेशेंट है विद हाइपोफेरेंजियल कार्सिनोमा, हाइपोफेरेंजियल कार्सिनोमा का पेशेंट है, और कार्सिनोमा का साइज है मोर देन 3 सेंटीमीटर. ठीक है, विद इप्सिलेटरल इन्वॉल्वमेंट एंड नो एक्सटेंशन टू अपोजिट साइड. ठीक है, देखिए, नो एक्सटेंशन अपोजिट साइड, अपोजिट साइड में एक्सटेंड नहीं कर रहा, तो अपोजिट साइड में इसने एक्सटेंड नहीं किया. ठीक है, और इसकी ग्रेड बतानी है, क्योंकि ये इप्सिलेटरल इन्वॉल्वमेंट है, एक ही साइड का इसने इन्वॉल्वमेंट किया है, मोर देन 3 सेंटीमीटर है, और हमें बताना है इसका क्या बोलते हैं स्टेज. ठीक है, ग्रेडिंग. तो कैसे बताएंगे? देखिए, सबसे पहले T1 हम एक एक ग्रेडिंग को देख लेंगे कि किस तरीके से इसकी ग्रेडिंग होती है. तो सबसे पहले हम देखते हैं T1. ठीक है, अगर T1 के अंदर हम इसको कब कहेंगे T1, तो T1 में ट्यूमर लिमिटेड टू वन साइड, वन सब साइड. ठीक है, हाइपोफेरेंजियल, एंड इसका T1 के अंदर क्या होना चाहिए? लेस देन
टू सेंटीमीटर होना चाहिए, वन साइड तो रहेगा ही बट लेस देन टू सेंटीमीटर रहेगा। इसका जो हाईएस्ट डायमीटर होगा, डायमेंशन होगा, वो लेस देन टू सेंटीमीटर होगा। अब T2 के अंदर क्या देखोगे, ट्यूमर इन्वेड करेगा मोर देन वन सबसाइट और एडजेसेंट साइट और मेजर्स मोर देन टू सेंटीमीटर, कितना होगा मोर देन टू सेंटीमीटर, ठीक है। अब टू सेंटीमीटर से ज्यादा तो है बट लेस देन फोर सेंटीमीटर या इक्वल फोर सेंटीमीटर, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। टू सेंटीमीटर और लेस देन फोर सेंटीमीटर इसके बीच में रहेगा। अब यहां पे हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर कितना है, मोर देन थ्री सेंटीमीटर, तो वी कैन से अराउंड टू सेंटीमीटर। और क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि मोर देन थ्री सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड के अंदर क्या होगा, टी थर्ड के अंदर क्या होगा, टी थ्री के अंदर मोर देन फोर सेंटीमीटर, ठीक है। टी थ्री के अंदर क्या है, मोर देन फोर सेंटीमीटर बट और विद द फ्लेक्शन ऑफ हेमी लैरिंग्स एक्सटेंशन इनटू द इसोफेगस, हेमी लैरिंग्स के साथ फ्लेक्शन होगा, हेमी लैरिंग्स, ठीक है। लेकिन साथ में क्या दिखेगा, एक्सटेंशन इनटू द इसोफेगस, इनटू इसोफेगस, ठीक है, एक्सटेंड करेगा इसोफेगस तक। के बाद आता है टी फोर, ओके। टी फोर के अंदर क्या होगा, अब ये ट्यूमर जो है मोर देन फोर सेंटीमीटर तो है ही, या साइज कुछ भी हो बट इट विल इन्वेड थायराइड, ठीक है, और क्रिकोइड कार्टिलेज एंड हायोइड बोन, ठीक है, थायराइड ग्लैंड और सेंट्रल कंपार्टमेंट ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू, ये इतनी सारी चीजों को इन्वेड करने लग जाएगा। तो ये है टी फोर्थ ए, अब ये क्या करेगा, ये इन्वेड कर देगा, इसको राइट डाउन कर लीजिए। अब ये पास के जो जितने भी टिश्यूज हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनके अंदर एंटर कर जाएगा, जैसे थायराइड ग्लैंड के अंदर, थायराइड और क्रिकोइड कार्टिलेज के अंदर, उन सारी चीजों को इन्वेड करने लग जाएगा। तो ये फोर्थ ए हो गया। अब इसके बाद है फोर्थ बी, टी फोर बी। तो टी फोर बी की अगर हम बात करें तो ट्यूमर इन्वेड्स इसको प्री वर्टिब्रल फेसिया, देखिए यहां पे वर्टिब्रल फेसिया तक नहीं पहुंचा था, ठीक है, 4A के अंदर, लेकिन 4B के अंदर क्या करेगा, वर्टिब्रल फेसिया, प्री वर्टिब्रल जो फेसिया है वर्टिब्रा से पहले, उसको इंक्लूड कर देगा और एनकेसिस करेगा टू द कैरोटिड आर्टरी और इन्वेड द मीडियास्टर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये मीडियास्टर्नल स्ट्रक्चर तक पहुंच जाएगा, तो ये बी हो गया। तो अब आपने देखा कि टी वन के अंदर मोर देन टू सेंटीमीटर, ठीक है, और दो सेंटीमीटर से चार सेंटीमीटर के अंदर अंदर टी टू के अंदर है, ठीक है, और टी थ्री के अंदर मोर देन फोर सेंटीमीटर, मोर देन फोर सेंटीमीटर, ठीक है, बट हेमीलैरिंग्स, हेमीलैरिंग्स मतलब एक साइड को ही इन्वॉल्व करेगा, ठीक है, और एक्सटेंड इनटू द इसोफेगस, इसोफेगस की तरफ एक्सटेंड करेगा। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था कि ये लेस मोर देन थ्री सेंटीमीटर है, तीन सेंटीमीटर से ज्यादा है, मतलब लगभग चार सेंटीमीटर से भी ऊपर है, कहीं लिमिट नहीं करी कि चार सेंटीमीटर का है या पांच सेंटीमीटर का है, या स्पेसिफिक तीन सेंटीमीटर का तो है ही नहीं, क्योंकि यहां पे आप देख रहे हो केस मोर देन थ्री सेंटीमीटर जा रहा है, तो इट मे बी फोर सेंटीमीटर। अगर ये फोर सेंटीमीटर है तो ये टी टू के अंदर आएगा, अगर ये मोर देन फोर जाता है तो टी थ्री के अंदर आएगा, ठीक है, टी थ्री के अंदर आएगा। तो इट्स डिपेंड अपॉन ऑल्सो एक्सटेंशन इन्वॉल्वमेंट, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इप्सिलेटरल यानी कि सेम साइड के, सेम साइड की चीजें इन्वॉल्व है, अपोजिट साइड नहीं जा रहा, ठीक है। तो सेम साइड की चीजें भी इन्वॉल्व कब होती हैं, सेम साइड की चीजें इन्वॉल्व होती हैं, इसोफेगस कब इन्वॉल्व हो रहा है, टी थ्री के केस में, टी टू में तो कुछ इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो दिस इज द पर्टिकुलर, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे सेम साइड के स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व दिखा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे सेम साइड के स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं टी थ्री के अंदर, इसलिए हम यहाँ पे आंसर मार्क करेंगे टी थ्री, स्टेज इज अ टी थ्री, ठीक है, इस तरीके से ग्रेडिंग करेंगे। तो ये हमें टी थ्री पता चला। तो आप याद रखिएगा लेस देन टू सेंटीमीटर टी वन और दो से चार के बीच में टी टू, बट यहां तक कोई भी अदर स्ट्रक्चर इन्वॉल्व नहीं होते, और टी थ्री के अंदर सेम साइड बट स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है आसपास के, ठीक है, सेम साइड, वन साइड अपोजिट साइड नहीं जाएगा,
44 के अंदर तो जितने भी थायराइड कार्टिलेज, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड हो गई, थायराइड और क्रिकॉइड कार्टिलेज हो गया, हायोइड बोन हो गई, और इसके अलावा सेंट्रल कंपोजिशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, ये सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन प्री वर्टिब्रल फेसिया तक नहीं पहुंचता। प्री वर्टिब्रल फेसिया तक कब पहुंचेगा? 4B के अंदर, T4B के अंदर प्री वर्टिब्रल फेसिया और मीडियस्टर्नल स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व करने लग जाएगा। तो देखिए, जब भी केस के अंदर ऐसा कुछ दिया हुआ है कि थायराइड ग्लैंड, थायराइड आर्टरी, थायराइड कार्टिलेज है ना, और क्रिकॉइड कार्टिलेज, हायोइड बोन, इन सारी चीजों को इन्वॉल्व कर रहा है, जब तक आप T4A के अंदर रहोगे, जब वो इनको पार करके प्री वर्टिब्रल फेसिया की तरफ चलता है या फिर मीडियस्टर्नम की तरफ आता है, तब आप उसको T4B कहोगे। तब आप क्या कहोगे? T4B। तो दिस इज अबाउट द स्मॉल थिंग्स अबाउट स्टेजिंग, ठीक है। इसके अलावा आपने T&N स्टेजिंग भी देखा होगा हाइपोफेरेंजियल कैंसर के लिए। इसमें हमारे पास कई चीजें हैं, जैसे N0 यानी कि नो रीजनल लिम्फ नोड इन्वॉल्व, ठीक है। N1 देखिए, मैं यहाँ पे N TNM स्टेज कहते थे ना अपन इसको, TNM स्टेजिंग, TNM क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इसके अंदर N स्टेज, अगर N0 है इसका मतलब कोई भी लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं है, अगर N1 है तो सिंगल और इप्सीलेटरल लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, सिंगल और इप्सीलेटरल लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, और यहाँ पे साइज क्या होगा? लेस देन 3 या फिर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर यहीं पे N2 आता है, N2, तब यहाँ पे क्या होता है? N2A रहेगा एक, और एक N2B रहेगा, बट हम N2A को देखते हैं, तो सिंगल लिम्फ नोड होगा यहाँ पे भी, और इप्सीलेटरल साइज। देखिए ध्यान दीजिए, ज्यादातर दिमाग में क्या जाता है कि N0 नो लिम्फ नोड, N1 वन लिम्फ नोड, सिंगल लिम्फ नोड, N2 तो दो लिम्फ नोड। ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या होगा? अगर N1 है तो लिम्फ नोड इज सिंगल लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, इप्सीलेटरल साइज का है, लेकिन लेस देन या इक्वल 3 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। बट अगर N2A आता है तो इसके अंदर भी सेम सिंगल लिम्फ नोड विल इन्वॉल्व, बट लिम्फ नोड यहाँ पे साइज क्या होगा? 3 to 6 सेंटीमीटर, 3 to 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये रहेगा। और अपन बात करें डिटेल में तो मोर देन 3 to 6 सेंटीमीटर, 3 से ज्यादा और 6 सेंटीमीटर तक जाएगा, तो हम इसे N2A कहेंगे। क्या कहेंगे? N2A। अब N2B की बात करें तो यहाँ पे मल्टीपल लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, और मल्टीपल लिम्फ नोड इन्वॉल्व रहेंगे, बट दे आर लेस देन 6 सेंटीमीटर, ठीक है, इक्वल या लेस देन 6 सेंटीमीटर, यानी कि डायमीटर यही रहेगा, साइज यही रहेगा, बट मल्टीपल हो जाएंगे बी के अंदर, ठीक है। और सी के अंदर अगर मैं N2C की बात करूं तो इसमें बायलैटरल, और कहते हैं ना कॉन्ट्रालैटरल, यानी कि दोनों तरफ के लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो जाएंगे, बट साइज सेम यही रहेगा, इक्वल और लेस देन 6 सेंटीमीटर, ठीक है, तो साइज यही रहेगा। मतलब 2 का जो ए है उसके अंदर तो 3 सेंटीमीटर या उससे कम, बट सिंगल लिम्फ नोड इन्वॉल्व। टाइप 2B के अंदर सिंगल लिम्फ नोड इन्वॉल्व बट 3 to 6 सेंटीमीटर, और टाइप 2C के अंदर क्या होगा? सी के अंदर होगा कि लिम्फ नोड बायलैटरली, ठीक है। टाइप 2B के अंदर क्या होगा? सिंगल। टाइप 2A के अंदर क्या है? सिंगल लिम्फ नोड, बस साइज चेंज हुआ है। N2A के अंदर सिंगल लिम्फ नोड, N1 के अंदर सिंगल लिम्फ नोड, N2A के अंदर सिंगल लिम्फ नोड, बट NB के अंदर क्या होगा? मल्टीपल लिम्फ नोड, ठीक है, और NC के अंदर तो दोनों साइड के लिम्फ नोड इन्वॉल्व होंगे। अब NC की बात अगर मैं करूं तो दोनों साइड के हैं, लेकिन NB की बात करूं तो मल्टीपल लिम्फ नोड जरूर है बट साइड एक ही है, सिंगल साइड के, ठीक है, इप्सीलेटरल साइड के। अब आती है N3, N3 में कोई भी लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो सकता है, कहीं का भी, ठीक है। N3 के अंदर क्या होगा? एनी लिम्फ नोड कैन इन्वॉल्व, और साइज जो रहेगा मोर देन 6 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ M, देखिए हमने TNM स्टेजिंग की बात करी थी, तो M स्टेजिंग में आपने M0 और M1, M0 के अंदर नो मेटास्टेसिस, M1 के अंदर मेटास्टेसिस प्रेजेंट, ठीक है। लेकिन इसके अलावा आप एक चीज और देखोगे, डिस्टेंटेड मेटास्टेसिस प्रेजेंट इनटू द M1, M0 के अंदर नो डिस्टेंट मेटास्टेसिस इज प्रेजेंट, बट एक चीज और देखोगे, दैट इज द MX, इसके अंदर क्या होता है? कैन नॉट बी असिस्ट, वी आर नॉट एबल टू असिस्ट कि मेटास्टेसिस प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से M स्टेजिंग में आप 3 चीजें याद रखिएगा, MX और M0, M1, MX के अंदर वी डोंट नो मेटास्टेसिस इज प्रेजेंट और नॉट,
और एम जीरो के अंदर नो डिस्टेंट मेटास्टेसिस इज अवेलेबल, ठीक है, एंड एम वन के अंदर डिस्टेंट मेटास्टेसिस इज अवेलेबल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 35 ईयर ओल्ड पेशेंट है, कितना 35 ईयर ओल्ड लेडी, ठीक है, 35 ईयर ओल्ड मेल, चलिए ओल्ड मेल। अब 35 ईयर ओल्ड मेल है, पेशेंट कम टू द ओपीडी, पेशेंट ओपीडी में आता है, ठीक है, और विद सिम्टम्स ऑफ कोल्ड एंड कफ एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, ठीक है, किसके साथ है, लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। तो अब उसका स्मेल एंड टेस्ट लॉस हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप मैनेजमेंट पूछा है, क्या पूछा है नेक्स्ट स्टेप मैनेजमेंट क्या होगा, तो इसका मैनेजमेंट हम डायग्नोस करेंगे विद द हेल्प ऑफ नेजोफेरेंजियल स्वैब फॉर द सार्स कोविड टू टेस्टिंग, ठीक है, तो कोविड के लिए नेजोफेरेंजियल स्वैब टेस्ट करेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पेशेंट प्रेजेंटेड विद पेन अराउंड द मैस्टॉइड एंड पॉजिटिव रिजर्वायर साइन मोस्ट लाइकली डायग्नोस ऑफ, देखिए जब भी मैस्टॉइड का पेशेंट है, पेन है कहां पे, मैस्टॉइड एरिया में, ठीक है, और पॉजिटिव रिजर्वायर साइन आ रहा है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में मैस्टाइटिस, मैस्टॉइडाइटिस इज प्रेजेंट, ठीक है, क्या है, इट इज द केस ऑफ मैस्टॉइडाइटिस। मैस्टॉइडाइटिस के अंदर क्या होगा कि जो मैस्टॉइड एरिया है वहां पे स्वेलिंग आ गई है और उसकी वजह से मैस्टॉइड एरिया में पेन प्रेजेंट है एंड पॉजिटिव रिजर्वायर साइन आल्सो, दिस इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस फॉर द मैस्टॉइडाइटिस, मैस्टॉइडाइटिस, ठीक है, दिस इज द मोर लाइकली साइन ऑफ द मैस्टॉइडाइटिस। देखिए मैस्टॉइडाइटिस जो आप देखोगे इसमें क्या होगा, हिस्ट्री क्या होगी मैस्टॉइडाइटिस की, तो मैस्टॉइडाइटिस के सिम्टम्स क्या होंगे, पेन बिहाइंड द एरिया, ठीक है, मैस्टॉइडाइटिस के सिम्टम्स क्या होंगे, पेन कहां पे, मैस्टॉइड एरिया में, या फिर वो पेशेंट कहेगा कि बिहाइंड द ईयर, कान के पीछे पेन है, ठीक है, और फीवर कैन बी ऑल्सो परसिस्टेंस ऑफ द फीवर, क्यों होगा इसमें, इन केस ऑफ ओटाइटिस मीडिया, ठीक है, ओटाइटिस मीडिया प्रेजेंट होगा तो उस केस में हमें फीवर देखने को मिलेगा, ठीक है, और ये जो परसिस्ट ऑफ अ फीवर इन ओटाइटिस मीडिया जस्ट रिसेंबल एज अ डेवलपमेंट ऑफ मैस्टॉइडाइटिस, क्योंकि ओटाइटिस मीडिया का केस होता है, उसके अंदर क्या होगा, ओटाइटिस मीडिया हुआ है, मैस्टॉइडाइटिस भी पेशेंट को फील होगा, ठीक है, मैस्टॉइडाइटिस भी डेवलप हो जाएगा और ये यहाँ पे फीवर भी डेवलप होगा, और क्या देखने को मिलेगा, प्रोफ्यूज यानी कि बहुत सारा डिस्चार्ज, ईयर डिस्चार्ज भी देखने को मिलेगा इन केस ऑफ ओटाइटिस मीडिया और इन केस ऑफ मैस्टॉइडाइटिस, ठीक है, तो ये साइन, ये सिम्टम्स याद रखिएगा। साइन की बात करूं मैं तो साइन क्या होंगे कि यहाँ पे म्यूकोपुरुलेंट बहुत सारा डिस्चार्ज आएगा, ठीक है, ईयर डिस्चार्ज, बट कैसे टाइप का डिस्चार्ज होगा, म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज होगा, ठीक है, और मैस्टॉइडाइटिस का मेन फीचर जो है मैस्टॉइड टेंडरनेस, टेंडरनेस दबाने पे मैस्टॉइड में क्या होगा, पेन होगा, तो पेन होगा, मैस्टॉइड टेंडरनेस और मैस्टॉइड स्वेलिंग तो डेफिनेटली मिलेगी, और मेन जो साइन था जो अभी क्वेश्चन में था, दैट वॉज द रिजर्वायर साइन, रिजर्वायर साइन, रिजर्वायर साइन क्या बताता है, मिएटस इमीडिएटली फिल्स विद पस आफ्टर इट हैज बीन मॉब्ड आउट, ठीक है, आफ्टर द मॉब्ड आउट, जैसे ही आप पश को निकाल देते हो एक बार, तो उसके बाद तुरंत से, तुरंत मीडिएट जो जो मीएटस है वो फिर से इमीडिएटली पस से फिल हो जाता है, वापस से फिल हो जाएगा, बिकॉज फिल तो ऊपर से आ रहा है ना, है ना, तो इसे कहते हैं रिजर्वायर शाइन, ठीक है, और शैगिंग ऑफ पोस्ट, शैगिंग ऑफ पोस्ट, पोस्टीरियो सुपीरियर वॉल, शैगिंग किसका दिखेगा, पोस्टीरियो सुपीरियर वॉल, ठीक है, पोस्टीरियरली पीछे और जो सुपीरियर वॉल है वहां पे क्या दिखेगा, शैगिंग दिखेगी, तो जब भी शैगिंग ऑफ पोस्टीरियर सुपीरियर वॉल आता है रिजर्वायर साइन आता है, ठीक है, और यहाँ पे आपको साइन क्या देखने को मिल सकता है, मे बी परफोरेशन ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, हाँ परफोरेशन आपको छोटा सा दिखेगा एट द एरिया ऑफ द पैराटेंशा, छोटा सा दिखेगा लेकिन परफोरेशन डेफिनेटली अवेलेबल हो सकता है, ठीक है, तो मैस्टॉइडाइटिस में आपको ये दिखेगा, और हियरिंग लॉस, कैसा हियरिंग लॉस होगा, कंडक्टिव टाइप ऑफ हियरिंग लॉस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कंडक्टिव टाइप ऑफ हियरिंग लॉस आपको देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट ऑफ द मैस्टॉइडाइटिशन, देखिए अगर मैस्टॉइडाइटिस हो गया उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट इज अ पहले पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे और एंटीबायोटिक्स देंगे, जिसमें प्रेफर्ड एंटीबायोटिक इज अ एमोक्सिसिलिन, ओके, प्रेफर्ड एंटीबायोटिक क्या है, एमोक्सिसिलिन, तो मैस्टॉइडाइटिस का जो ट्रीटमेंट होगा दिस इज द एमोक्सिसिलिन, बट अगर इतना सीवियर है मैस्टॉइडाइटिस तो आपको क्या करना होगा, पेशेंट को पहले हॉस्पिटलाइज करना होगा, ठीक है, उसके बाद हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, क्लियर।
नेक्स्ट पेशेंट है हमारे पास एक यंग चाइल्ड है प्रेजेंटेड विद लोअर लिप स्वेलिंग, ठीक है, लोअर लिप स्वेलिंग और अपॉन द इवर्जन कंडीशन कैसी दिखती है, एकदम से स्किन फूली हुई नजर आएगी, ठीक है, स्किन कैसी नजर आएगी, फूली हुई एकदम फुंसी की तरह, रेनुला की तरह बना हुआ होगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि इसका कॉज क्या है, व्हाट इज द ट्रू। तो देखिए यूजली जब जो सिस्ट बनती है क्या बनेगी, सिस्ट बनती है, आपने देखा होगा कि लोअर लिप के ऊपर सिस्ट नजर आएगी, कौन सा सिस्ट नजर आएगा, म्यूकोसील ऑफ द लिप, लोअर लिप पे सबसे ज्यादा क्या दिखता है, म्यूकोसील ऑफ द लिप, म्यूकोसील। तो म्यूकोसील जब होती है हम उसे क्या करेंगे, म्यूकोसील का ये रिटेंशन सिस्ट है ऑफ द माइनर सिलाइवरी ग्लैंड, जैसे कि हमने सर्जरी में पढ़ा था, सर्जरी में मैंने आपको बताया था कि जब लिप में क्या है बहुत सारे छोटे छोटे माइनर लगभग 800 टू 1000 माइनर ग्लैंड्स होती हैं सिलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। और ये जो माइनर सिलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं व्हेन द पेशेंट इज नॉट टेकिंग वाटर प्रॉपरली, तो जो म्यूकस आता है इसमें से वो थिक हो जाएगा, और म्यूकस जब थिक होता है तो ये म्यूकस क्या करता है, सिलाइवरी ग्लैंड के आगे के हिस्से को ब्लॉक कर देता है, उसकी वजह से क्या होता है, म्यूकोसील बन जाती है। जब पीछे से जो सलाइवा है, जो वाटर है वो सिक्रीट होगा ग्लैंड से, तो वो प्रेशर की वजह से लिप के ऊपर फूल जाएगा, म्यूकोसील बन जाएगा, ठीक है। और कई बार कुछ लोगों की आदत होती है लिप्स को चबाने की, उस केस में भी जो ग्लैंड है, जो माइनर ग्लैंड होती है, इनमें क्या होता है, ये डैमेज हो जाती है और उसकी वजह से म्यूकस बाहर नहीं आ पाता और उस म्यूकस की क्या होती है, फिलिंग हो जाती है और इस तरीके से म्यूकोसील बन जाती है, ठीक है। सर्जरी में अगर आप देखोगे, आपने देखा होगा मेरी लाइव वीडियो, उसके अंदर था, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इस तरीके से म्यूकोसील बन जाएगी, ठीक है, माइनर सलाइवरी ग्लैंड से बनती है, इट इज द रिटेंशन सिस्ट ऑफ माइनर सलाइवरी ग्लैंड, मोस्ट कॉमन साइट लोअर लिप होता है, मोस्ट कॉमन साइट क्या होगा, लोअर लिप। और एग्जामिनेशन पे सॉफ्ट एंड सिस्टिक मास फील होगा, जिसमें जो कि ब्लूइश कलर का होगा, कैसा होगा, ब्लूइश कलर का, और इट इज ब्रिलियंटली ट्रांसल्यूसेंट, कैसा होता है, ब्रिलियंटली ट्रांसल्यूसेंट होता है, ठीक है। जब आप लाइट डालोगे इसके ऊपर तो लाइट इस पूरे को चमका देगी, ठीक है, उसे कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट लुमिनेंट, ट्रांसल्यूमिनेंट होगा, ठीक है, ब्रिलियंटली ट्रांसल्यूमिनेंट, लाइट के डालने से चमक जाएगा पूरा, ठीक है, यानी कि क्लियर फ्लूइड सिस्ट होगा। और इसका जो एक्स्ट्रा विशेषण इज वेरी कॉमन, ठीक है, और एक्स्ट्रा विशेषण में क्या करेंगे कि फ्लूड को लीक कर दो, लीकेज ऑफ द फ्लूड, ठीक है। ट्रीटमेंट इज अ सर्जिकल एक्सीजन, सर्जिकल एक्सीजन करना पड़ता है, कई बार फ्लूड को लीकेज करा दो उससे ठीक हो जाता है एकदम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें अ बॉय फेल डाउन व्हाइल प्लेइंग, एक बच्चा खेलते हुए गिर जाता है, ठीक है, और अगर बच्चा खेलते हुए गिर गया तो उसकी नोज में चोट लगती है, ठीक है, इंजरी होती है और उसकी नोज डेबिएट हो जाती है, बट सेप्टल इज नॉर्मल। तो इसमें पूछा गया है कि नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, लोअर द एडिमा, एडिमा को कम होने दो, ठीक है, उसके बाद सबसे पहले एडिमा को कम करेंगे एंड क्लोज रिडक्शन आफ्टर 7 days, और उसके बाद क्लोज रिडक्शन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो केस है ये एक्चुअली फ्रैक्चर ऑफ द नेजल सेप्टम का है, किसका है, फ्रैक्चर ऑफ नेजल सेप्टम, फ्रैक्चर ऑफ नेजल सेप्टम, ठीक है, तो नेजल सेप्टम का फ्रैक्चर है। तो देखिए जब भी फ्रैक्चर ऑफ नेजल सेप्टम होता है हमें पता है कि ये मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर होता है ओवर द फेस, फेस के ऊपर नेजल सेप्टम का फ्रैक्चर वेरी वेरी कॉमन, ओके, और इट्स डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द फोर्स, की फोर्स कितना तेजी से मारा गया है, ठीक है, फ्रंट से लगाया है या ब्लो से लगाया है, अगर नीचे से और फ्रंट से लगाया गया तब फ्रैक्चर होने के चांस रहते हैं, नेजल बोन भी फ्रैक्चर हो सकती है, इट इज ऑल्सो कॉमन, ठीक है, ट्रोमेटिक फोर्स मे बी फ्रॉम द फ्रंट और साइड, और डेफिनेटली डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड, अगर एम्पलीट्यूड भी ज्यादा है और साइड से या फ्रंट से मारा गया तो नेजल बोन भी फ्रैक्चर हो सकती है। टाइप कितने हो सकते हैं फ्रैक्चर के, या तो डिप्रेस्ड होगा या एंगुलेटेड होगा, डिप्रेस्ड कब होता है, या तो सामने से एकदम फ्रंट से मारा गया तो डेफिनेटली डिप्रेस्ड होगा, ठीक है, या नीचे से मारा गया तब भी डिप्रेस्ड होगा, लेकिन एंगुलेटेड कब होगा, जब लेटरल और ब्लो, मतलब नीचे से तो मारा गया बट लेटरल साइड से मारा गया, ठीक है, तो कैसा हो जाएगा, एंगुलेटेड फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है, डेविएट हो जाएगा सेप्टम। बट सिम्टम क्या क्या आएंगे इसमें, स्वेलिंग हो जाएगी विद इन द फ्यू आवर्स ऑफ ट्रोमा, कुछ ही समय में स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है, टेंडरनेस, नेजल डिफॉर्मिटी, एपिटेक्सिस और नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा ड्यू टू द हीमाटोमा ऑफ द सेप्टल इंजरी, बिकॉज यहाँ पे सेप्टल इंजरी हुई है तो डेफिनेटली हीमाटोमा होगा, ठीक है, तो ड्यू टू द हीमाटोमा ऑफ सेप्टल इंजरी क्या होगा, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा,
पेरी ऑर्बिटल इकाइमोसिस भी देखने को मिल सकती है, जो नीला नीला नहीं हो जाता, ठीक है, पेरी ऑर्बिटल इकाइमोसिस भी देखने को मिल सकती है। अगर डायग्नोसिस की बात करें तो क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, देखेंगे सामने से, और एक्सरे करेंगे, एक्सरे शुड बी इंक्लूड, डेफिनेटली वी विल डू एक्सरे। एक्सरे में क्या, वाटर व्यू करेंगे, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट लेटरल व्यू करेंगे और ऑक्लूजल व्यू करेंगे, ठीक है, इस तीन टाइप से एक्सरे करेंगे डिफरेंट डिफरेंट व्यू में। इसके अलावा ट्रीटमेंट क्या होगा, तो सिंपली फ्रैक्चर विदाउट डिस्प्लेसमेंट अगर हुआ है तो नीड नो ट्रीटमेंट, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। अगर फ्रैक्चर बिना किसी डिस्प्लेसमेंट के हुआ है तो ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, अदर इट मे बी रिक्वायर द क्लोज और ओपन रिडक्शन, ठीक है, उसको रिडक्शन कर देंगे। और प्रेजेंस ऑफ इडीमा इंटरफेयर्स विद द एक्यूरेट रिडक्शन बाय द क्लोज मेथड, अगर इडीमा हो गया है तो हम क्लोज मेथड से रिडक्शन नहीं कर सकते, तो सबसे पहले हमको इडीमा को ठीक करना होगा, है ना। सो द बेस्ट टाइम टू द रिड्यूस द फ्रैक्चर बिफोर द अपीयरेंस ऑफ इडीमा, या तो इडीमा से पहले आप उसको करो ठीक, या फिर 7 दिन के लिए वेट करो, जब इडीमा बिल्कुल ठीक हो जाएगा उसके बाद आप सबसाइड करो, विच इज यूजली मोर देन 5 or 7 days ले सकता है, ठीक है, उसके बाद आप सबसाइड करो। तो दिस इज अबाउट द नेजल फ्रैक्चर्स, अगर नेजल फ्रैक्चर्स होते हैं तो किस तरीके से आपको ट्रीट करना है। मोस्टली क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा कि बच्चा है गिर गया या किसी ने मार दिया और उसकी वजह से नेजल फ्रैक्चर हुआ है, देयर इज नो डेविएशन, सेप्टल इज नॉर्मल और सेप्टल इज मे बी नॉट नॉर्मल, लेकिन आपको आंसर करना है कि ट्रीटमेंट शुड बी बिफोर द इडीमा और ट्रीटमेंट शुड बी आफ्टर द इडीमा सबसाइड, जब इडीमा ठीक हो जाएगा उसके बाद करोगे, जिसमें 5 से 7 दिन लग सकते हैं इडीमा को नॉर्मल आने में, बट ड्यूरिंग द इडीमा, अगर इडीमा है तो उस केस में आप साथ साथ नहीं करोगे, ठीक है, उस केस में आप साथ साथ में नहीं करोगे, तो इडीमा का सबसाइड होना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट अंडरवेंट द रिमूवल ऑफ सब मैंडिबुलर ग्लैंड, तो देखिए यहाँ पे एक पेशेंट है जिसका रिमूवल हुआ है, रिमूवल ऑफ सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड का रिमूवल हुआ है और साथ में लिंगुअल नर्व इज डैमेज्ड ड्यूरिंग द सर्जरी, सर्जरी के दौरान यहाँ पे क्या हुआ है, लिंगुअल नर्व डैमेज हुई है, क्या हुआ है, लिंगुअल नर्व डैमेज। अब मेन पॉइंट ये है कि अगर लिंगुअल नर्व डैमेज हो गई तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, ठीक है, लिंगुअल नर्व डैमेज हो गई तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, तो देखिए रेट ऑफ सब लिंगुअल सिक्रीशन विल डिक्रीज, डेफिनेटली डिक्रीज हो जाएंगे, सब लिंगुअल सिक्रीशन विल डिक्रीज, ओके, और क्या होगा, एंटीरियर टू थर्ड टेस्ट सेंसेशन लॉस्ट फ्रॉम द टंग, ठीक है, क्या होगा, एंटीरियर टू थर्ड टेस्ट सेंसेशन विल लॉस, टेस्ट सेंसेशन लॉस हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सेंसेशन ऑफ द फ्लोर ऑफ माउथ विल लॉस, ठीक है, माउथ का जो फ्लोर है उसके भी सेंसेशन लॉस्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं कि सब लिंगुअल नर्व डैमेज होने पर क्या क्या होगा, बिफोर दैट वी शुड नो कि सब लिंगुअल नर्व करती क्या है, तो देखिए सब लिंगुअल नर्व जो है इसके पास मोटर फाइबर्स नहीं होते, दिस इज ओनली द सेक्रेटरी, दिस इज ओनली द सेंसरी फाइबर्स, सेंसरी नर्व, तो ये सेंसेशन प्रोवाइड करती है टंग को, ठीक है, कौन से सेंसेशन प्रोवाइड करेगी, टच, पेन और टेम्परेचर, तो टच, पेन और टेम्परेचर कितने पार्ट को, टू थर्ड ऑफ एंटीरियर टंग, ठीक है, टू थर्ड पार्ट ऑफ द टंग को, एंटीरियर टू थर्ड पार्ट ऑफ टंग को टच पेन टेम्परेचर प्रोवाइड करती है। इसके अलावा लिंगुअल नर्व इज बेस्ट कंसीडर्ड एज ए टू वे नर्व, ध्यान रखना, बेस्ट कंसीडर एज ए टू वे नर्व इज लिंगुअल नर्व, ठीक है। अब इसमें क्या है टू वे, देखिए एक तो जनरल सेंसेशन दिया है इसने, जनरल सेंसेशन में मैंने आपको टच पेन टेम्परेचर तीन सेंसेशन बताए फॉर द एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग, इसके अलावा टेस्ट सेंसेशन भी देगी, क्या देगी, टेस्ट सेंसेशन, अब टेस्ट सेंसेशन में डायरेक्ट लिंगुअल नर्व तो नहीं जाती, तो कैसे जाती है, ये अपनी एक ब्रांच देती है जिसे हम कहते हैं कॉडा टिम्पेनाई, क्या बोलते हैं, कॉडा टिम्पेनाई, और कॉडा टिम्पेनाई क्या करती है, ये एंटीरियर टू थर्ड यानी कि सेम पार्ट एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग उसे क्या प्रोवाइड करती है, टेस्ट सेंसेशन विद द हेल्प ऑफ कॉडा टिम्पेनाई, तो याद रखिएगा कॉडा टिम्पेनाई विच इज ऑल्सो द ब्रांच ऑफ सब लिंगुअल नर्व, ठीक है। और देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि सिक्रीटरी मोटर वाया कॉडा टिम्पेनाई टू द सब लिंगुअल एंड सब मैंडिबुलर, ठीक है, सब लिंगुअल नर्व और सब मैंडिबुलर नर्व
ये सिक्रीटरी मोटर फंक्शन प्रोवाइड करेंगे दोनों मिलके, क्या करेंगे, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल नर्व जो है ये वाया कॉडा टिम्पेनाई, कॉडा टिम्पेनाई के साथ ही इनके फाइबर्स जाएंगे सब लिंगुअल और सब मैंडिबुलर नर्व के, ठीक है। और ये क्या करेंगे, सिक्रीटरी मोटर फंक्शन करेंगी, बल्कि लिंगुअल नर्व जो है उसका कोई मोटर इनर्वेशन नहीं होता टंग के लिए, याद रखिएगा। इसलिए लिंगुअल नर्व डैमेज होने की वजह से ना तो टंग का कोई मोटर फंक्शन जाएगा ना कुछ होगा, लेकिन कॉडा टिम्पेनाई इज द ब्रांच ऑफ लिंगुअल नर्व, और लिंगुअल नर्व की ब्रांच के साथ सब लिंगुअल और सब मैंडिबुलर नर्व इसमें फाइबर देती हैं इसी के थ्रू, कॉडा टिम्पेनाई के थ्रू। तो अगर लिंगुअल नर्व जाती है और वो सिक्रीटो मोटर फाइबर देती है, ठीक है, सिक्रीटो मोटर, तो सिक्रीशन विल ऑल्सो डिक्रीज, डेफिनेटली सिक्रीशन डिक्रीज हो जाएंगे बाय द डैमेज ऑफ लिंगुअल नर्व। और टेस्ट सेंसेशन तो जाएगा ही एंटीरियर टू थर्ड से, उसके साथ साथ टच पेन टेम्परेचर, टच पेन एंड टेम्परेचर का टेस्ट भी, वो सेंसेशन भी जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है, डेफिनेटली जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिफिलिस अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द नेजल सेप्टम। तो देखिए, सिफिलिस अगर किसी को होता है तो नेजल सेप्टम के किस पार्ट को अफेक्ट करेगा सिफिलिस, तो सिफिलिस विल अफेक्ट बोनी पार्ट ऑफ द नेजल सेप्टम। सिफिलिस किसको अफेक्ट करेगा, बोनी पार्ट ऑफ द नेजल सेप्टम। चलिए मैं इसके बारे में कुछ आपको डिटेल्स बताता हूँ। देखिए, नेजल सिफिलिस कैन बी कंजेनाइटल और एक्वायर्ड, दो तरीके से हो सकता है। नेजल सिफिलिस कितने तरीके से हो सकता है, दो टाइप का, एक्वायर्ड और कंजेनाइटल। प्लीज नोट डाउन इट, एक्वायर्ड और कंजेनाइटल, ठीक है। तो एक्वायर्ड और कंजेनाइटल दो तरीके से हो सकता है नेजल सिफिलिस। तो हम पहले एक्वायर्ड सिफिलिस को देखते हैं जो कि मोर कॉमन है। एक्वायर्ड सिफिलिस इज अ मोर कॉमन, ठीक है, मोर कॉमन कौन सा है, एक्वायर्ड सिफिलिस। अब एक्वायर्ड सिफिलिस इज मोर कॉमन वन एंड इट इज अकर एज अ प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी। कैसे हो सकता है, ये तीन डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से हो सकता है, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। डिफरेंस क्या है सब में, तो चलिए हम प्राइमरी देखते हैं। प्राइमरी जो है रेयर फॉर्म है, ये प्राइमरी क्या है, रेयर फॉर्म, प्राइमरी इज अ रेयर फॉर्म। तो प्राइमरी सिफिलिस रेयर कंडीशन है, ठीक है, रेयर फॉर्म होती है, मैनिफेस्ट एज अ प्राइमरी कैंक्रे ऑफ द वेस्टिब्यूल। कैसे दिखेगी, प्राइमरी कैंक्रे ऑफ द वेस्टिब्यूल। अगर देखिए प्राइमरी कैंक्रे आता है, सपोज दैट दिस इज द प्राइमरी कैंक्रे, CHANC, ठीक है, इस तरीके से प्राइमरी कैंक्रे वर्ड आप देखते हो, ठीक है, प्राइमरी कैंकर या कैंक्रे जो भी आप यूज करते हो, ठीक है, तो प्राइमरी कैंकर आप देखते हो, तो दिस इज द एक्वायर्ड टाइप, ठीक है, जो कि मैनिफेस्ट करता है एज अ कैंकर ऑफ वेस्टिब्यूल। कैसे, वेस्टिब्यूल, कैंकर ऑफ वेस्टिब्यूल की तरह ये मैनिफेस्ट करेगा। इसके अंदर सेकेंडरी, तो देखिए जो आप सेकेंडरी देख रहे हो, सेकेंडरी सिफिलिस जो होगा वो मैनिफेस्ट होता है एज अ सिंपल राइनाइटिस की तरह, ठीक है, सेकेंडरी सिफिलिस कैसे होगा, सिंपल राइनाइटिस की तरह, और क्रस्टिंग एंड फिशरिंग ऑफ द नेजल वेस्टिब्यूल। नेजल वेस्टिब्यूल की क्या होने लगेगी, क्रस्टिंग होने लगेगी और फिशरिंग बनने लगेगा, दिस इज द एक्वायर्ड का सेकेंडरी टाइप है, ठीक है। अगर सिंपल राइनाइटिस के साथ में कोई देता है एग्जामिनर की सिंपल राइनाइटिस है पेशेंट को, क्रस्टिंग हो रखी है, ठीक है, नेजल सेप्टम की क्रस्टिंग हो रही है, फिशरिंग हो रही है, नेजल वेस्टिब्यूल की ये प्रॉब्लम्स हैं, तो ये एक्वायर टाइप है और उसका सेकेंडरी टाइप है। टर्सरी टाइप की अगर हम बात करें तो टर्सरी के अंदर क्या होता है, इन द स्टेज ऑफ नोज इज कॉमनली इन्वॉल्व, ठीक है, एंड कॉमनली मैनिफेस्ट एज ए फॉर्मेशन ऑफ गुमा, गुमा का फॉर्मेशन, और ये सबसे ज्यादा एग्जामिनर पूछता है कि गुमा फॉर्मड हुआ है ये कौन सा टाइप है, ठीक है, तो इट इज अ टर्सरी टाइप ऑफ द प्राइमरी, सॉरी ऑफ द एक्वायर्ड नेजल सिफिलिस, ठीक है। तो इस तरीके से आप बताएंगे, गुमा फॉर्मेशन ऑन द नेजल सेप्टम, नेजल सेप्टम के अंदर गुमा फॉर्मेशन हो जाता है। आप देखोगे नेजल सेप्टम के अंदर रेडिश कलर का पूरा एक गुमा जैसा बन जाता है, ठीक है, गुमड़ी जैसी बन जाती है, ठीक है, उसे कहते हैं गुमा फॉर्मेशन ऑफ नेजल सेप्टम। लेटर दिस सेप्टम विल डिस्ट्रॉय ऑल्सो, बाद में क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, और ये होता है किसके ऊपर, ऑल्सो इन द बोनी एंड कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ बोथ, दोनों ही पार्ट में होगा, ठीक है, लीड टू द सेप्टल परफोरेशन, और इसमें सेप्टल परफोरेशन भी होता है। तो कई बार एग्जामिनर ओनली सेप्टल परफोरेशन का आपको सेप्टल परफोरेशन का मैनिफेस्टेशन देगा, उसके बाद आपको समझना है कि दिस इज द एक्वायर्ड टाइप ऑफ सिफिलिस ड्यू टू अकर द टर्शियरी फॉर्म, ठीक है, तो इस तरीके से आएगा। और इसकी वजह से ऑल्सो हैज अ फाउल ओडर,
वो फाउल ऑर्डर दे देगा, स्मेल, फाउल स्मेल दे देगा, नेजल डिस्चार्ज, क्रस्ट, ठीक है, कैन बी लीड टू ऑल्सो सेप्टल कोलैप्स, और नोज की डिफॉर्मिटी दिखा देगा, नोज की बनावट बिगाड़ देगा पूरी, है ना। तो इस तरीके से देगा, तो आप समझ लेना कि दिस इज द एक्वायर्ड टाइप ऑफ सिफिलिस, विच इज द मोस्टली टर्शरी टाइप ऑफ सिफिलिस इन द एक्वायर्ड सिफिलिस। ओके, कंजेनाइटल सिफिलिस अकर ऑल्सो इन टू फॉर्म, कंजेनाइटल सिफिलिस भी दो तरीके से सामने आएगा। तो कंजेनाइटल सिफिलिस किस तरीके से सामने आएगा, इट इज ऑल्सो अकर इन टू फॉर्म। कौन सी टू फॉर्म होती है, तो पहली फॉर्म है अर्ली फॉर्म और दूसरी फॉर्म है लेट फॉर्म। तो देखिए अर्ली फॉर्म के अंदर फर्स्ट थ्री मंथ ऑफ लाइफ एंड मैनिफेस्ट एज ए स्नफल्स, कैसे मैनिफेस्ट होगा, एज ए नफल्स, देखिए नफल्स, ठीक है, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करो, दिस इज द नफल्स। तो इस तरीके से मैनिफेस्ट होगा अर्ली, फॉलोड बाय द पुरुलेंट डिस्चार्ज, स्नफल्स दिखेगा, इसके बाद आपको क्या दिखेगा, पुरुलेंट, कंजेनाइटल में पुरुलेंट डिस्चार्ज। तो देखिए अगर उसने पुरुलेंट डिस्चार्ज दे रखा है एग्जामिनर ने, दिस इज द टाइप ऑफ कंजेनाइटल विच इज द अर्ली फॉर्म। लेट फॉर्म के अंदर क्या होगा, अराउंड द प्यूबर्टी, देखिए याद रखिएगा कि ये फर्स्ट जो जो आपका कंजेनाइटल अर्ली फॉर्म दिया होगा वो अराउंड थ्री मंथ ऑफ लाइफ, थ्री मंथ ऑफ लाइफ, यहाँ पे एज का बहुत महत्व है, ठीक है, आप जरूर याद रखिएगा कि तीन महीने के अंदर अंदर अगर हो रहा है तो दिस इज द कंजेनाइटल अर्ली फॉर्म। इसके बाद कब आता है, लेट फॉर्म अराउंड प्यूबर्टी, ठीक है, लेट फॉर्म कब मैनिफेस्ट होगी, अराउंड प्यूबर्टी, ठीक है, प्यूबर्टी के अराउंड, अगर प्यूबर्टी के अराउंड 13-14 साल उम्र दी हुई है इन दैट केस, या 6-7-8 साल भी दी हुई है तब भी आप लेट कंजेनाइटल ही लगाओगे, क्योंकि अर्ली कंजेनाइटल अराउंड 3 मंथ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखेगा, देखिए प्यूबर्टी के अराउंड तो है ये, प्यूबर्टी के अराउंड दिखेगा आपको, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम दिखेंगी, तो देखिए प्रेजेंट एज अ टर्शरी स्टेज ऑफ एक्वायर्ड सिफिलिस, एक्वायर्ड सिफिलिस की जो टर्शरी स्टेज आप देख रहे थे ना, टर्शरी स्टेज के अंदर क्या क्या हुआ था, मैंने आपको बताया था कि टर्शरी स्टेज में क्या होगा, घूमा फॉर्मेशन हो जाएगा, सेप्टल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नेजल सेप्टम परफोरेशन हो जाएगा, बोनी पार्ट और कार्टिलेजिनस पार्ट दोनों ही, ठीक है, और फॉल ऑर्डर आएगा, ठीक है, स्मेल फॉल होगी, क्रस्टिंग होगी सेप्टम की, और क्या होगा, कोलेप्स हो जाएगा, नेजल डिफॉर्मिटी हो जाएगी, ये सारी चीजें सेम टू सेम कंजेनाइटल लेट फॉर्म के अंदर दिखेंगी, कंजेनाइटल लेट फॉर्म के अंदर दिखेंगी। अब मेन पार्ट है इसका जो पूछा जा सकता है, दैट इज अ ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ट्रीटमेंट के अंदर क्या देते हैं, बेंजोथिन और पेनिसिलिन, क्या देंगे, बेंजोथिन पेनिसिलिन, ठीक है, बेंजोथिन पेनिसिलिन इज द ट्रीटमेंट। यूनिट क्या देंगे, यानी कि 2.4 माइक्रो यूनिट, और कैसे देंगे, इंट्रामस्कुलरली, दिस इज द डोज, सो प्लीज डोंट फॉरगेट अबाउट इट, ओके। क्या देंगे, बेंजोथिन पेनिसिलिन, कितनी, 2.4 इंटरनेशनल माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट, इंट्रामस्कुलरली देंगे, और वीकली देंगे फॉर द 3 वीक, कैसे देंगे, पर डे नहीं देंगे इसे, तो कैसे देंगे, पर वीक, पर वीक, कितने वीक तक देंगे, 3 वीक तक, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इसको भूलना नहीं है किसी भी हाल में, दिस इज अबाउट द सिफिलिस, ठीक है, जिसमें मैंने आपको एक्वाइड के अंदर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों को बताया, उसके अलावा मैंने आपको टू टाइप, जो कि कंजेनाइटल के दो टाइप हैं, कंजेनाइटल सिफिलिस के बारे में बताया, अर्ली और लेट, लेट किस तरीके से मैनिफेस्ट करेगा, अर्ली किस तरीके से मैनिफेस्ट करेगा वो भी बताया, और हाउ वी कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ सिम्टम्स, विद द हेल्प ऑफ साइंस, विच यू कैन सी ऑल्सो, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन जो आप देखोगे, इसके अलावा मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया, दैट इज कॉल्ड बेंजोथिन पेनिसिलिन, जो कि 2.4 माइक्रो यूनिट पर वीक देना है, IM देना है, 3 वीक के अंदर देना है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट दिस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द कॉज ऑफ नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा। तो देखो नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, मैं आपको वो बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे MCQ तो मे बी एक कॉज को बताएगा, है ना, बट मैं आपको नेजोफेरेंजियल कॉज, मोस्ट कॉमन जितने भी कॉज हैं नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा, इसके कॉजेज, ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पर जितने भी कॉजेज हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले जो आपको देखने को मिल सकता है, दैट इज अ जेनेटिक कॉज, कैसे, जेनेटिक कॉज, और जेनेटिक कॉज में आप क्या देखोगे, ड्यू टू हायर इंसिडेंस अमोंग द चाइनीज, जेनेटिक कॉज किस जीन में दिखता है, चाइनीज के अंदर देखने को मिलेगा, चाइनीज रेस में, ठीक है, याद रखिएगा, हायर चांसेस, हायर इंसिडेंस कहाँ मिलते हैं नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा के, चाइनीज के अंदर, बट हमको तो अपने यहाँ का देखना है, तो गो थ्रू द इन्फेक्शन, ठीक है,
इन्फेक्शन, इन्फेक्शन अपने यहां कौन सा होगा, एप्स्टीन बार वायरस, ये क्या करता है नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा। एप्स्टीन बार वायरस इज अ मोस्ट कॉमन कॉज इन द इंडिया, ओके किसका, एप्स्टीन बार वायरस फॉर द नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा। देखिए कारण बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, बट हम मोटे मोटे तौर पर इनको बता रहे हैं। लेकिन इसके अलावा मैं आपको इसके एप्स्टीन बार वायरस के साथ में कुछ और भी बताता हूँ, जिसमें यह है कि एप्स्टीन बार वायरस एक तो आपने देखा कि नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा करेगा, इसके अलावा ये बुर्किट्स लिम्फोमा भी करता है। क्या कर सकता है, बुर्किट्स लिम्फोमा, जिसमें स्टारी स्काई अपीयरेंस दिखता है, ठीक है, स्टारी स्काई अपीयरेंस किसके अंदर मिलता है, बुर्किट्स लिम्फोमा के अंदर। और इसका कॉज क्या हो सकता है, एप्स्टीन बार वायरस इज ऑल्सो वन कॉज ऑफ बुर्किट्स लिम्फोमा, नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा, इसके अलावा हॉजकिंस लिम्फोमा में भी कर सकता है, ठीक है। हॉजकिंस लिम्फोमा बी सेल्स की वजह से होता है, ये याद हो तो आपको, है ना। इसके अलावा लिम्फो प्रोलिफरेटिव डिजीज, किसके अंदर, लिम्फो प्रोलिफरेटिव डिजीज, ठीक है, लिम्फो प्रोलिफरेटिव डिजीज ऑल्सो कैन अकर ड्यू टू द एप्स्टीन बार वायरस। और नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा तो आपको पता ही है, ठीक है, नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा। तो एप्स्टीन बार वायरस के अंदर ये चार चीजें हैं, इनको याद रखिए, जब भी एप्स्टीन बार वायरस की बात होती है तो इट कैन कॉज बुर्किट्स लिम्फोमा, नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा, हॉजकिंस लिम्फोमा, ठीक है। और इसके अलावा क्या कर सकता है, लिम्फो प्रोलिफरेटिव डिजीज, और ये चार चीजें करेगा, ठीक है, मोटे मोटे तौर पर ये चार चीजें हैं। इसके अलावा नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा जो है उसके कॉज और क्या हो सकते हैं, तो हमने इन्फेक्शियस कॉज की बात कर ली, हमने जेनेटिकली किसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, चाइनीज में नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा, उसकी बात कर ली। अब इसके बाद आता है एनवायरमेंटल कॉज, कौन सा, एनवायरमेंटल कॉज, एनवायरमेंटल कॉज के अंदर एयर पोल्यूशन की वजह से हो सकता है, टबैको की वजह से हो सकता है, देयर आर मेनी पीपल हु ऑल टाइम च्यू द टबैको, है ना, तो उनको हो सकता है। और ओपियम स्मोकिंग, ड्राई सॉल्टेड फिश खाते हैं कुछ लोग, है ना, कुछ लोग ड्राई सॉल्टेड फिश, ड्राई फिश खाते हैं, तो ड्राई सॉल्टेड फिश की वजह से हो सकता है। स्मोक फ्रॉम द बर्निंग इंसेंस स्टिक और वुड, कुछ लोग क्या होता है, वुड की जो लकड़ी की जो होती है उसे, उससे स्मोक करने लगते हैं। कुछ लोग पुरानी जली हुई बीड़ियां सिगरेट उसको दोबारा से पीते हैं, ठीक है। तो ये सारे कॉजेस क्या है, एनवायरमेंटल कॉज होते हैं, जिसमें एयर पोल्यूशन, टबैको स्मोकिंग, है ना, और इसके अलावा ड्राई सॉल्टी फिश, ड्राई सॉल्टेड फिश, ये सारी चीजें क्या होती हैं, दीज ऑल थिंग्स आर द कॉज ऑफ नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा। बट मैंने आपको एक इन्फेक्शियस कॉज बताया जो था एप्स्टीन बार वायरस। एप्स्टीन बार वायरस के अंदर चार और चीजें इंक्लूड होती हैं जो कि वो कर सकता है, क्या क्या था, हॉजकिंस लिम्फोमा, बुर्किट्स लिम्फोमा। बुर्किट्स लिम्फोमा में मैंने आपको बताया था कि ये इसके अंदर स्टारी स्काई अपीयरेंस दिखेगा, जब आप स्लाइड देखोगे हिस्टोपैथोलॉजिकल स्लाइड, ओके, स्टारी स्काई अपीयरेंस दिखेगा, तो वो बुर्किट्स लिम्फोमा है, हॉजकिंस लिम्फोमा करता है, और लिम्फो प्रोलीफरेटिव डिजीज, ठीक है, एप्स्टीन बार वायरस से ये चार पांच चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो याद रखिएगा क्वेश्चन कुछ ऐसे था कि व्हाट इज द कॉज ऑफ नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा, ठीक है। अब देखिए नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा की मैं आपको कुछ, नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा की मैं कुछ आपको मैनिफेस्टेशन क्लिनिकल चीजें बताऊंगा। तो इसमें मोस्ट कॉमन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा इज सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी, क्या दिखेगा आपको, नेक स्वेलिंग, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी। तो केस किस तरीके से आएगा, नेक स्वेलिंग, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी, तो यू कैन गो थ्रू द नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा, ठीक है, याद रखिएगा, सीन इन द केस ऑफ नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा, ठीक है। और इसके अंदर सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी दिखेगी, जिससे हम कहेंगे नेक स्वेलिंग ड्यू टू द सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी। इसके अलावा ट्रॉटर्स ट्रेड दिखेगा, क्या दिखेगा, ट्रॉटर्स ट्रेड, ट्रॉटर्स ट्रेड इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा। अब ट्रॉटर्स ट्रेड जो होता है, ट्रॉटर्स ट्रेड, मैं यहां लिख देता हूं एक बार, टी आर ओ डबल टी ई आर एस, ट्रॉटर्स ट्रेड, टी आर ए आई डी, ठीक है। तो अब आप जो ट्रॉटर्स टी आर आई ए डी सॉरी ट्रॉटर्स ट्रेड की जो हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर फर्स्ट क्या होगा ट्रेड के अंदर, तो फर्स्ट होगा यूनिलैटरल कंडक्टिव हियरिंग लॉस। तो याद रखिएगा, जब भी यूनिलैटरल कंडक्टिंग हियरिंग लॉस आता है और साथ में सर्वाइकल लिम्फोडिनोपैथी होती है, नेक स्वेलिंग होती है, इट कैन ऑल्सो इंक्लूड द नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा, इट कैन बी एसोसिएटेड विद द नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा। और जब कभी भी तीन चीजें साथ में, जैसे यूनिलैटरल कंडक्टिव हियरिंग लॉस, डीप फेशियल पेन, डीप फेशियल पेन क्यों होगा, ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फिफ्थ क्रेनियल नर्व। देखिए हम यहाँ पे फेशियल पेन की बात कर रहे हैं, तो डू नॉट गो थ्रू द
फेशियल पेन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेवेंथ क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व है, फेशियल पेन ड्यू टू द फिफ्थ क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, ट्राइजेमिनल नर्व इन्वॉल्वमेंट की वजह से होगा। और सॉफ्ट पैलेट पाल्सी होती है, सॉफ्ट पैलेट पाल्सी क्यों होगी, सॉफ्ट पैलेट पाल्सी होगी ड्यू टू द नाइन्थ क्रेनियल नर्व, सॉरी ड्यू टू द टेंथ क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। तो ट्रॉटर्स ट्रेड के अंदर क्या क्या चीजें मिलेंगी, यूनिलैटरल कंडक्टिव हियरिंग लॉस इज द फर्स्ट, एंड सेकंड इज अ डीप फेशियल पेन ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फिफ्थ क्रेनियल नर्व, एंड थर्ड इज अ सॉफ्ट पैलेट पाल्सी ड्यू टू द टेंथ क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट। ओके, कौन से पैलेट की पाल्सी होगी, सॉफ्ट पैलेट पाल्सी, सॉफ्ट पैलेट पाल्सी, सॉफ्ट पैलेट कहां होता है, पीछे की तरफ, और वहां पे सप्लाई किससे होती है, टेंथ क्रेनियल नर्व से। तो जब भी नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा होगा तो नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा के साथ आपको पता है कैंसर कैन इन्वॉल्व ऑल्सो द लिम्फ नोड, तो सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी मिलेगी, क्या मिलेगा, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी मिलेगी, जिसमें नेक स्वेलिंग रहेगा, एग्जामिनर क्या बोलेगा, नेक स्वेलिंग है। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, अगर आपको यूनिलैटरल कंडक्टिव हियरिंग लॉस विद नेक स्वेलिंग एंड सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी मिलती है तो क्लियर कट डायग्नोसिस इज अ नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा, ठीक है। इसके अलावा डीप फेशियल पेन, डीप फेशियल पेन ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फिफ्थ क्रेनियल नर्व और सॉफ्ट पैलेट पाल्सी ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेंथ क्रेनियल नर्व, दीज थ्री आर द ट्रॉटर्स ट्रेड। और कई बार एग्जामिनर केवल ऐसे दे सकता है कि ट्रॉटर्स ट्रेड इज सीन इन, ठीक है, तो वो नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा का ट्रेड है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कि कॉज ऑफ नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा इज एब्स्टिनेंट वार वायरस, ठीक है। सिफिलिस अफेक्टेड विच पार्ट ऑफ द नेजल सेप्टम, तो बोनी पार्ट ऑफ द नेजल सेप्टम, हालांकि सिफिलिस बोनी और कार्टिलेजिनस दोनों को अफेक्ट करती है, परफोरेशन कर देती है, टर्सरी, मैंने आपको बताया था एक्वायर्ड टाइप ऑफ टर्सरी विच कैन अफेक्ट द बोथ, बट सबसे पहले जो अफेक्ट होगा क्रस्टिंग जिसकी होगी, ब्रेक होने लग जाएगा, परफोरेट होगा, विच इज ऑल्सो बोनी पार्ट, ठीक है। तो इसलिए आप बोनी पार्ट को पहले इंक्लूड करोगे, और अगर दोनों साथ में है बोनी और कार्टिलेजिनस पार्ट, देन यू कैन टेक ऑफिशियली, बिल्कुल डेफिनेटली, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट प्रेजेंटेड विद बायलैटरल नेक स्वेलिंग, देखिए हमने अभी यूनिलैटरल नेक स्वेलिंग की बात करी थी तो मे बी इट कैन कंफ्यूज यू, लेकिन जब बायलैटरल नेक स्वेलिंग की बात आती है, टेम्पोपराइटल न्यूरलजिया और यूनिलैटरल लॉस ऑफ हियरिंग, अब आप बताइए यूनिलैटरल कंडक्टिव हियरिंग लॉस और साथ में लिम्फेडिनोपैथी मिल गई, जरूरी नहीं है कि लिम्फोडेनोपैथी हो, यूनिलैटरल को बायलैटरल लिम्फेडिनोपैथी दिखा दी पेशेंट एग्जामिनर ने, और साथ में क्या दे दिया, सर्वाइकल लिम्फोडेनोपैथी दे दी, कंडक्टिव हियरिंग लॉस दे दिया, और क्या दिया, देखिए फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद बायलैटरल नेक स्वेलिंग, टेम्पोपराइटल न्यूरलजिया, ठीक है, एंड यूनिलैटरल हियरिंग लॉस इज डायग्नोसिस ऑफ नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा, डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो अ नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा, एज आई टोल्ड यू ऑल्सो मोस्ट कॉमन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा इज अ सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी, नेक स्वेलिंग, ठीक है, एंड आफ्टर दैट ऑल्सो ट्रॉटर्स ट्रेड, ट्रॉटर्स ट्रेड में क्या आता है, यूनिलैटरल कंडक्टिव हियरिंग लॉस और फेसियल पेन ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फिफ्थ क्रेनियल नर्व एंड सॉफ्ट पैलेट पैरालाइज्ड, ठीक है, पाल्सी, सॉफ्ट पैलेट पाल्सी ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेंथ क्रेनियल नर्व। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ द नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा, तो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन क्या होती है नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा की, नेक स्वेलिंग, लिम्फेडिनोपैथी, बायलैटरल इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फ नोड, ठीक है, तो लिम्फेडिनोपैथी, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद और क्वेश्चन भी सामने आएंगे, और वो क्या क्या क्वेश्चन होंगे, देखिए मैंने आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ऑफ नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा, तो अभी मैंने आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ऑफ नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा नहीं कराया, ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ऑफ नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा क्या होगा। तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, हालांकि रेडियोथेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ऑफ नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा, तो देखिए यहाँ पे नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा इज अ मोस्ट कॉमन रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर, क्या है, रेडियो, मोस्ट कॉमन रेडियो सेंसिटिव, तो जब भी मोस्ट कॉमन रेडियो सेंसिटिव की बात आती है तो समझ जाइए आप कि रेडियोथेरेपी इज द बेस्ट ट्रीटमेंट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा में, रेडियोथेरेपी, दिस इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा, ठीक है। रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर होता है हेड एंड नेक का, और मे बी एग्जामिनर आपको ये पूछ सकता है कि विच इज द मोस्ट कॉमन रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर ऑफ द हेड एंड नेक, तब भी आप नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा टिक करोगे, ठीक है, नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा। तो अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस,
डेफिनेटली रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी इज अ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। अब इसमें स्टेजिंग की बात आ जाती है कि किस किस स्टेज पे हम क्या करेंगे। मान लीजिए फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज है, अगर फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज है नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा की, तो आप केवल और केवल रेडियोथेरेपी करोगे। क्या करोगे? रेडियोथेरेपी, ठीक है, केवल और केवल रेडियोथेरेपी करोगे, रेडियोथेरेपी। लेकिन अगर थर्ड, कौन सी स्टेज? थर्ड एंड फोर्थ स्टेज है, देन व्हाट यू विल डू? अब थर्ड एंड फोर्थ स्टेज आ गई तो रेडियोथेरेपी तो होगी, प्लस क्या होगा साथ में? रेडियोथेरेपी के साथ में क्या होगा? कीमोथेरेपी। क्या होगा? कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। अब पेशेंट, एग्जामिनर आपको पूछ सकता है कि जब आप रेडियोथेरेपी दोगे तो एक्सटर्नल रेडिएशन कितना दोगे, कितना रेडिएशन होगा, बीम ऑफ रेडिएशन क्या होगा? तो यहाँ पे 6000 to 7000, क्या होगा? 6000 to 7000 सेंटीग्रेड ऑफ रेडियोथेरेपी कैन बी डिलीवर्ड इन अ लीनियर फॉर्म। किसमें? लीनियर एक्सीलरेटर फॉर्म टू द प्राइमरी और बोथ साइड ऑफ द नेक, टू द प्राइमरी एंड बोथ साइड ऑफ द नेक। कितना दोगे? 6000 से 7000 सेंटीग्रेड, ठीक है, क्या दोगे? कितना दोगे? 7000 और 7000 6000 मान के चलो, ठीक है। ये होगा एक्सटर्नल बीम ऑफ रेडिएशन इन अ लीनियर फॉर्म, ठीक है। तो दिस इज द वे ऑफ गिविंग द रेडिएशन टू द नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा, एंड नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा इज अ मोस्ट कॉमन, सॉरी मोस्ट सेंसिटिव रेडियो, मोस्ट कॉमन रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर ऑफ द नेक एंड हेड। तो इसलिए नेक एंड हेड, ठीक है, हेड एंड नेक का मोस्ट कॉमन, मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर होता है। सो दिस इज द ट्रीटमेंट। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलो साइन। क्या है? हेलो साइन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अबाउट द हेलो साइन। तो हेलो साइन में हम क्या देखेंगे? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे है, हेलो मैंने गलत लिख दिया है, ये वाला हेलो आप याद रखिएगा इससे, बाकी वो ये हेलो नहीं होता, वो क्या होता है? ये वाला हेलो होता है, ठीक है, हालो, है ना, हेलो साइन। तो ये कैसे आता है, क्वेश्चन कैसे आएगा हेलो साइन के ऊपर, कि एक पेशेंट है आरटीए का है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का, और उसका नेजल वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, नाक से पानी बह रहा है लगातार, और नेजल वाटर डिस्चार्ज है, तो भैया ये वाटर डिस्चार्ज कहाँ से आता है आपको पता है? ठीक है, तो ये आएगा, और ये आता है कहाँ से? क्रिब्रिफॉर्म प्लेट जो होती है स्कल में, वो टूट जाती है नेजल के ऊपर, नाक के ऊपर, ठीक है, और उसकी वजह से CSF आने लगता है, इसे कहते हैं CSF राइनोरिया। क्या बोलते हैं? CSF राइनोरिया। अब मैं तो बता रहा था हालो शाइन, हेलो हाय हेलो कैसे बोलते हैं, ठीक है, और ऊपर से आ गया ये CSF राइनोरिया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, तो ये क्या है? हेलो साइन। हेलो साइन एक्चुअली क्या होता है, जब आप इस नाक से आने वाले पानी को अपने हैंकी के ऊपर लेते हो या किसी पेपर के ऊपर, टिश्यू पेपर के ऊपर लेते हो, तो उसमें थोड़ा सा ब्लड आएगा, तो येलोइश कलर का वो एक डॉट बना देगा, एक गोला बना देगा आपके हैंकी के ऊपर, विच इज कॉल्ड हेलो शाइन, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में होता है, और दिस इज द CSF राइनोरिया। तो याद रखिएगा, दिस इज द CSF राइनोरिया, इस तरीके से दिखेगा हेलो शाइन, ठीक है, इस तरीके से हेलो शाइन बन जाएगा आपके हैंकी के ऊपर बीच में, जहां पे आप ये अपनी नोज से लोगे, ठीक है। दिस इज अबाउट द हेलो शाइन। अब देखिए हेलो शाइन जब आएगा तो इसके अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया, दिस इज द CSF राइनोरिया ड्यू टू क्रिब्रिफॉर्म प्लेट फ्रैक्चर। किसकी वजह से है? इथमोइड के बीच में क्रिब्रिफॉर्म प्लेट होती है, आपने देखा होगा छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं, जिसमें ऑल्फैक्टरी नर्व के बल्ब्स होते हैं स्मेल के लिए, है ना, तो वहीं पे क्या हो जाएगा? फ्रैक्चर हो जाएगा क्रिब्रिफॉर्म प्लेट का, ड्यू टू हिस्ट्री ऑफ आरटीए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की हिस्ट्री दी होगी केस के अंदर एग्जामिनर ने, ठीक है। CSF राइनोरिया आफ्टर द हेड ट्रोमा मिक्स्ड विद द ब्लड, जैसे मैंने आपको बताया ब्लड, तो देखिए आपने देखा होगा इसको, एक तो हमने अभी बताया आपको कि दिस इज द हालो साइन, और क्या हो सकता है इसके बीच में, ऐसे आपको डिफरेंट थोड़ा सा कलर दिखेगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डबल टारगेट शाइन भी बोल सकते हैं। कलेक्टेड ऑन द पीस ऑफ फिल्टर पेपर, टिश्यू पेपर, हैंकी, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो जो सेंट्रल रेड स्पॉट है ना, ठीक है, और पेरिफेरल में ये थोड़ा सा लाइट होगा, अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं तो पेरिफेरल में ये क्या होगा, थोड़ा सा लाइट होगा, ठीक है, सेंटर में एकदम से गहरा और पेरिफेरल में थोड़ा सा लाइट, सेंटर में गहरा और पेरिफेरल में लाइट, हो गया ना, डबल टारगेट शाइन। तो इस तरीके से इसको हेलो साइन, डबल टारगेट शाइन, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, पेरिफेरल लाइटर होगी, इसको हेलो शाइन कहते हैं। सीन इन द क्रिब्रिफॉर्म प्लेट फ्रैक्चर इन केस ऑफ CSF राइनोरिया,
हेलो शाइन और डबल टारगेट शाइन, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, प्लीज याद रखिएगा। इसके अलावा अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और वो हमें पूछता है कि इन्वेस्टिगेशन इज यूज्ड फॉर द सीएसएफ राइनोरिया। तो इन्वेस्टिगेशन हम कौन सी यूज कर सकते हैं सीएसएफ राइनोरिया में, तो डेफिनेटली हम क्या क्या यूज करेंगे, सीटी सीटी सिस्टर्नोग्राम, क्या यूज करेंगे, सीटी सिस्टर्नोग्राम, ठीक है, सिस्टर्नोग्राम, ठीक है। अब ये जो सी एस बना है इसको सी मान लो आप, सिस्टर्नोग्राम, तो किसमें, सीटी सिस्टर्नोग्राम इज ऑल्सो यूज इन टू द सीएसएफ राइनोरिया इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, या इन्वेस्टिगेशन यूज्ड फॉर द सीएसएफ राइनोरिया। तो पहला मैंने आपको बताया सीसी सिस्टर्न, दूसरा बनाया बताया, तो आप क्योंकि स्कल फ्रैक्चर हुआ है तो स्कल एक्सरे करोगे, डेफिनेटली इट इज वेरी नीडफुल, ठीक है, और जरूरी होता है करना क्या, स्कल एक्सरे। और इसके अलावा एक स्पेसिफिक जो कि आप सीएसएफ की हेल्प से करोगे, विच इज द इन्वेस्टिगेशन, बीटा टू ट्रांसफेरिन, क्या करोगे, बीटा टू ट्रांसफेरिन, ट्रांसफेरिन याद रखिएगा, क्वेश्चन में यही आने वाला है, ठीक है, बीटा टू ट्रांसफेरिन। हालांकि सीटी सिस्टर्नोग्राम भी आ सकता है और स्कल एक्सरे भी आ सकता है, बट ज्यादा चांसेस रहते हैं इस टाइप के पूछने के, ठीक है, लैबोरेटरी टेस्ट है, तो ये बीटा टू ट्रांसफेरिन टेस्ट किया जाएगा। दिस इज इन्वेस्टिगेशन अबाउट द सीएसएफ राइनोरिया, ओके, दीज आर द इन्वेस्टिगेशंस ऑफ अबाउट द सीएसएफ राइनोरिया, ठीक है। तो सीएसएफ राइनोरिया में नेजल एंडोस्कोपी का कोई रोल नहीं होता, ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर इसमें नेजल एंडोस्कोपी डाल सकता है, बट नेजल एंडोस्कोपी का कोई रोल नहीं होता सीएसएफ राइनोरिया के अंदर, सो हम नेजल एंडोस्कोपी नहीं करेंगे। तो करते कौन सी है, तो देखिए एक तो बीटा टू ट्रांसफेरिन लेवल देखते हैं, ठीक है, बीटा टू ट्रांसफेरिन लेवल, दिस इज प्रोटीन फाउंड इन टू द विट्रियस ह्यूमर ओनली एंड नॉट इन द नेजल डिस्चार्ज, ये नेजल डिस्चार्ज में बिल्कुल नहीं मिलेगी, केवल सीएसएफ के अंदर मिलेगी, कौन सी, बीटा ट्रांसफेरिन लेवल। इसके अलावा बीटा ट्रेस प्रोटीन फ्रैक्चर, अगर फ्रैक्चर साइट को लोकलाइज करेंगे तो हम एचआरसीटी कर सकते हैं, जो मैंने आपको सीटी सिस्टर्नोग्राम के नाम से बताया, एमआरआई कर सकते हैं, इंट्राथीकल फ्लूरोसेंस स्टडी भी कर सकते हैं, इंट्राथीकल फ्लूरोसेंट स्टडी भी कर सकते हैं, बट बेस्ट इज अ एचआरसीटी, से भी बेस्ट क्या होता है, सीटी सिस्टर्नोग्राम। इसमें इंट्राथीकल इंजेक्शन देते हैं ऑफ द आयोहेक्सोल, किसका देंगे, आयोहेक्सोल का इंट्राथीकल इंजेक्शन देंगे, एंड सीटी स्कैन टू लोकलाइज द साइट इन केस ऑफ व्हेन बीटा टू ट्रांसफेरिन कैन नॉट बी डन, अगर बीटा टू ट्रांसफेरिन आप नहीं कर सकते तो उस केस में आप क्या करोगे, सीटी सिस्टर्नाई करोगे। तो आपको पता है एमआरआई कर सकते हैं, सीटी सिस्टर्नाई कर सकते हैं, स्कल एक्सरे कर सकते हैं, बीटा टू ट्रांसफेरिन का लेवल चेक कर सकते हैं। दिस इज द इन्वेस्टिगेशन फॉर द सीएसएफ राइनोरिया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की हिस्ट्री मिल सकती है आपको, ठीक है, दिस इज द वे फॉर द डायग्नोस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास related to the bera, ठीक है, इसमें पूछता है examiner true about the bera, bera क्यों use किया जाता है, used for the sensory neural hearing loss, bera BERA, bera क्यों use किया जाता है, sensory neural hearing loss के लिए, ठीक है। अब bera use किया जाता है sensory neural hearing loss के लिए, ठीक है, तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, बैरा की फुल फॉर्म क्या होती है, ब्रेन स्टेम इवॉल्व्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमीट्री, ठीक है, इसे बोलते हैं बैरा, ऑल्सो नोन एज ABR, ऑडियोमीट्री ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स, क्या बोल सकते हैं इसको, बैरा या ABR, ऑडियोमीट्री ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स, या फिर बोल दो ब्रेन स्टेम इवॉल्व्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमीट्री, ठीक है। और ये करते क्यों है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के केस में, इट इज टू एलिसिट ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स टू ऑडियोमेट्री स्टिमुलेशन बाय क्लिकिंग द टोन बर्स्ट, ठीक है, ऑन द नॉन इन्वेसिव टेस्ट, दिस इज द टेक्निक जो कि नॉन इन्वेसिव टेक्निक होती है, टू फाउंड द इंटीग्रिटी ऑफ सेंट्रल ऑडिटरी पाथवे, इसे हम क्या करते हैं, इंटीग्रिटी फाउंड करते हैं सेंसरी ऑडिटरी पाथवे का, सेंट्रल ऑडिटरी पाथवे का इंटीग्रिटी फाउंड करते हैं थ्रू द एट्थ क्रेनियल नर्व, ठीक है, और पॉन्स एंड मिड ब्रेन यूज फॉर द सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस असेसमेंट, ठीक है, किस लिए यूज करते हैं, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस असेसमेंट के लिए। देखिए इसे जब मेजर करेंगे तो हियरिंग सेंसिटिविटी क्या होगी, उसकी रेंज क्या होगी जिससे हम मेजर करेंगे, तो 1000 टू 4000 हर्ट्ज, क्या होगी, 1000 टू
4000 हर्ट्ज, ठीक है। तो बैरा करेंगे जब तो 1000 टू 4000 हर्ट्ज इसकी इंटेंसिटी होगी, इसकी रेंज होगी, ठीक है। इन द नॉर्मल पर्सन 7 वेव्स प्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट 10th मिलीसेकंड। नॉर्मल पर्सन के अंदर क्या होता है, 7 वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। कितनी? 7 वेव्स प्रोड्यूस होंगी कितनी देर में, 10 मिलीसेकंड्स में। 10 मिलीसेकंड्स के अंदर 7 वेव प्रोड्यूस होती हैं नॉर्मल पर्सन के अंदर, ठीक है। मोस्ट स्टेबल वेव, अब इसमें से देखिए, एक तो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है कि जब हम बैरा कर रहे हैं, ठीक है, ब्रेन स्टेम इवॉल्वड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री जब हम करते हैं, ये सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के लिए करते हैं, इसमें रेंज क्या होती है 1000 टू 4000 हर्ट्ज, इसमें 10 मिलीसेकंड के अंदर नॉर्मल पर्सन के अंदर कितनी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, 7 वेव्स प्रोड्यूस इन 10 मिलीसेकंड्स, 10 फर्स्ट मिलीसेकंड्स किसके अंदर, नॉर्मल पर्सन के अंदर। अब वो ये पूछेगा कि ये जो रेज प्रोड्यूस हुई हैं इसमें मोस्ट स्टेबल वेव्स कौन सी होती हैं ये 7 वेव्स में से, तो 1/3 और 5th दीज आर द मोस्ट स्टेबल वेव्स। ये क्या है, मोस्ट स्टेबल वेव्स है, ठीक है। दिस इज अबाउट द बैरा जो कि सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के अंदर किया जाता है। अब आपने एक कंडीशन सुनी होगी, दैट इज रिनोफीमा, क्या बोलते हैं, रिनोफीमा, ठीक है। रिनोफीमा के अंदर आप क्या देखोगे, इसमें देखा होगा आपने पेशेंट की नोज बहुत बड़ी हो जाती है ना, नोज बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, फूल जाती है। इसके आप सारे डायग्राम गूगल पर आसानी से सर्च करके देख सकते हो, ठीक है। तो मैं डायग्राम ढूंढने में अपना टाइम नहीं देना चाहता, तो इसलिए आप समझ लीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कम समय में करा सकें, ठीक है। तो जो रिनोफीमा है इसके अंदर होता क्या है, सेबेसियस ग्लैंड जो कि नोज के ऊपर सेबेसियस ग्लैंड होती है, इसकी हो जाती है हाइपरट्रॉफी। क्या हो जाएगा, सेबेसियस ग्लैंड की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। अब ये हाइपरट्रॉफी हो गई सेबेसियस ग्लैंड की, हाइपरट्रॉफी की होने की वजह से नाक हो गई बहुत ज्यादा मोटी, उसी को हम कहते हैं रिनोफीमा, ठीक है। रिनोफीमा जो होता है इसके अलावा हमें एक प्रेजेंटेशन और मिलेगी, दैट इज कॉल्ड रिनो स्पोरिडियोसिस। रिनो स्पोरिडियोसिस इज इन्फेक्टिव कंडीशन कॉज्ड बाय द रिनो स्पोरिडियोसिस सीबेराई। बस ये इतना याद रखना है आपको कि रिनो स्पोरिडियोसिस, स्पोरिडियोसिस, ठीक है। अब है तो ये भी रिनोफीमा, बट हमने इसको रिनो स्पोरिडियोसिस क्यों बोला, बिकॉज दिस इज द इन्फेक्टिव कंडीशन। कैसी है, इन्फेक्टिव कंडीशन, और ये इन्फेक्शन किसकी वजह से हुआ है, ये हुआ है रिनो स्पोरिडियोसिस सीब्राई की वजह से। किसकी वजह से, रिनो स्पोरिडियोसिस सीब्राई की वजह से, ठीक है। रिनो स्पोरिडियोसिस सीब्राई, ठीक है, सीबरी, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करो। तो ये याद रखना कि रिनोफीमा क्या होता है, नाक के ऊपर, नोज के ऊपर, नोज टिप के ऊपर, मोस्टली जो सीबेसियस ग्लैंड होती है जिनमें ब्लैक हेड्स बन जाते हैं। आपने मोस्टली देखा होगा सीबेसियस ग्लैंड के अंदर लड़कियों को ज्यादातर देखा होगा नोज के ऊपर से ब्लैक हेड्स निकालते हुए, ठीक है। काफी मेल्स के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है नॉर्मली, बट इतने ज्यादा कॉन्शियस नहीं होते मेल्स की छोटे छोटे ब्लैक हेड्स को निकालें, ठीक है। तो ये आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। तो ये किसमें होता है, ये सीबेसियस ग्लैंड होती है, जब उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है तो नाक बड़ी हो जाती है, उसी को रिनो फीमा बोलते हैं, ठीक है। और रिनो स्पोरिडियोसिस जो बोलते हैं ये इन्फेक्टिव है, क्योंकि इसमें रिनो स्पोरिडियोसिस सीब्राई नाम का इन्फेक्शन क्रिएट होता है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म की वजह से जो है ये क्रिएट होता है। इसके अलावा रिनो स्क्लीरोमा भी मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, एक और न्यू टर्म, रिनो स्क्लीरोमा, स्क्लीरोमा। अब ये क्या है रिनो स्क्लीरोमा, बिकॉज हमने रिनो फीमा देख लिया, नॉर्मल हाइपरट्रॉफी ऑफ द सीबेसियस ग्लैंड, और हमने रिनो स्पोरिडियोसिस देखी जो कि सीब्राई की वजह से हो रही थी, दैट वाज द इन्फेक्टिव कंडीशन। अब एक और नया आ गया, इसके अंदर क्या होता है, दिस इज द क्रोनिक ग्रेनुलेशन, दिस इज द क्रोनिक ग्रेनुलेशन कंडीशन। तो लिख लीजिए कि अगर रिनो स्क्लीरोमा आता है, स्क्लीरोमा, दिस इज द ग्रेनुलेशन कंडीशन, क्रोनिक ग्रेनुलेशन कंडीशन। कैसी कंडीशन है, क्रोनिक ग्रेनुलेशन कंडीशन एसोसिएटेड विद द इन्फेक्शन ऑफ क्लेब्सिला, दिस इज ऑल्सो अ इन्फेक्टिव, बट इसमें क्या है, जो इन्फेक्शन होता है वो ग्रेनुलेशन, उसके अंदर ग्रेनुलेशन देखने को मिलेगा, और ये होता है ड्यू टू द क्लेब्सिला। किसकी वजह से, क्लेब्सिला, क्लेब्सिला की वजह से, ठीक है, क्लेब्सिला एंड रिनो स्क्लीरोमैटिस, एंड रिनो स्क्लीरोमैटिस, ठीक है।
रीनोस्क्लेरोमेटिस हो जाएगी। तो ये तीन चार कंडीशन आपको रीनोफीमा के अंदर दिखेंगी, रीनोफीमा, रीनोस्पोरोडियोसिस, रीनोस्पोरोडियोसिस इज ड्यू टू इन्फेक्शन ड्यू टू द रीनोस्पोरोडियोसिस सेब्राई, और रीनोस्क्लेरोमा क्लेब्सिला की वजह से होता है, और रीनोस्क्लेरोमेटिस देखने को मिलती है। ठीक है, दिस इज बोथ आर द इन्फेक्टिव कंडीशन, और रीनोफीमा इज नॉन इन्फेक्टिव कंडीशन, और उसमें क्या होता है हाइपरट्रॉफिक कंडीशन फॉर द सेबेसियस ग्लैंड ऑफ नोज। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज द, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेफर्ड मैनेजमेंट ऑफ द एट्रॉफिक राइनाइटिस। तो देखिए एट्रॉफिक राइनाइटिस मेन हम पहले देखते हैं कि एट्रॉफिक राइनाइटिस क्या होती है। एट्रॉफिक राइनाइटिस, तो एट्रॉफिक राइनाइटिस की बात कर रहे हैं हम, तो एट्रॉफिक राइनाइटिस के अंदर जो ट्रीटमेंट है वो तो आप देख ही लो आंसर। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या होता है, यंग्स ऑपरेशन, यंग्स ऑपरेशन। तो यंग्स ऑपरेशन इज अ ट्रीटमेंट इन एट्रॉपिक राइनाइटिस। अगर इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल जाना है तो देखिए एट्रॉपिक राइनाइटिस एक क्रोनिक इंफ्लामेटरी कंडीशन होती है। कैसी होती है, क्रोनिक इंफ्लामेटरी कंडीशन ऑफ द नोज करेक्टराइज्ड बाय द नेजल म्यूकोजा एट्रॉफी। यहाँ पे क्या मिलेगा, एट्रॉफिक, अगर हम बात एट्रॉफिक यूज कर रहे हैं डेफिनेटली एट्रॉफी विल हियर। ठीक है, एट्रॉफी तो है ही, यंग्स ऑपरेशन, तो इसमें आपने देखा कि इट इज अ एट्रॉपिक राइनाइटिस। अगर हम एट्रॉफिक की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली दिस इज द एट्रॉफी ऑफ विच पार्ट, इट इज एट्रॉफी ऑफ नेजल म्यूकोजा, नेजल म्यूकोजा की एट्रॉफी होती है, नेजल म्यूकोजा एट्रॉफी। ठीक है, एट्रॉफिक नेजल म्यूकोजा यहाँ पे होगा। दिस इज द क्रोनिक इन्फ्लामेशन, एकदम से नहीं होता, तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन है ऑफ द नेजल म्यूकोजा एंड टर्बिनेट एट्रॉफी। ये एट्रॉफी किस टाइप की होती है, इट कैन बी आस्क ऑल्सो अबाउट द टाइप ऑफ एट्रॉफी, दिस इज द टर्बिनेट एट्रॉफी। क्या होगा यहाँ पे, टर्बिनेट एट्रॉफी, ओके, टर्बिनेट एट्रॉफी हो जाएगी। तो यंग्स ऑपरेशन इज द ट्रीटमेंट ऑफ एट्रॉपिक राइनाइटिस। ठीक है, इट इज ऑफन ऑल्सो एसोसिएटेड विद इन्फेक्शन। अब देखिए ये एट्रॉफी जो ही है राइनाइटिस, एट्रॉपिक राइनाइटिस ऑल्सो एसोसिएटेड विद इन्फेक्शन, कौन सा इन्फेक्शन, क्लेब्सिला। इससे पहले भी मैंने आपको एक इन्फेक्शन बताया हुआ है क्लेब्सिला। ठीक है, कहाँ पे क्लेब्सिला, और ऑलरेडी मैंने आपको क्लेब्सिला बताया हुआ है किस पार्ट के अंदर, आप वो देख सकते हो कि वो मैंने आपको बताया था क्लेब्सिला, याद करो। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने आपको प्राइमरी और सेकेंडरी सिफिलिस के टाइम पे बताया था, और टर्शरी, तीन सिफिलिस होती है, है ना, और सेंसरी नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा में मैंने आपको बताया था, नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा कैन बी इन्फेक्टिव ऑल्सो। ठीक है, तो आप यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो होता है नेजल म्यूकोजा की एट्रॉफी होती है, और इट कैन बी ऑल्सो इन्फेक्टिव, और किसकी वजह से, क्लेब्सिला की वजह से। क्लेब्सिला का कौन सा वेरियंट, क्लेब्सिला ओजेनाई, क्लेब्सिला ओजेनाई। ठीक है, ड्यू टू द म्यूकोजल एट्रॉफी नेजल कैविटी बिकम रूमी, नेजल कैविटी कैसी हो जाएगी, इसमें रूमी हो जाएगी और फाउल ओडर आएगा फ्रॉम द नोज। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इट कैन बी अ क्लिनिकल फीचर, एग्जामिनर कैन आस्क यू विद द हेल्प ऑफ रूमी। ठीक है, रूमी एंड देयर इज अ फाउल ऑफ ओडर। ठीक है, देयर इज अ फाउल ओडर फ्रॉम द नोज, ये चीजें एग्जामिनर आपको लिख के दे सकता है कि नोज से फाउल ओडर आता है, फाउल स्मेल आती है, है ना, और इसके अलावा नोज बिकम रूमी। ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट इज अ एट्रोपिक राइनाइटिस का जो ट्रीटमेंट होगा वो है एल्कलिन नेजल डॉच, ठीक है, फॉलोड बाय 25% ग्लूकोज इन द ग्लिसिन, ठीक है, ग्लिसरीन के साथ में। तो देखिए एल्कलिन नेजल बनाना है, एल्कलिन नेजल डॉच फॉलोड बाय द 25% ग्लूकोज इन ग्लिसरीन। ठीक है, और साथ में टॉपिकल टू इनिबिट द ग्रोथ ऑफ प्रोटियोलिटिक ऑर्गेनिजम्स, जिसमें जो प्रोटियोलिटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे क्लेब्सिला भी मैंने आपको बताया, तो इनके लिए भी आप इनकी ग्रोथ को कम करने के लिए भी कुछ मेडिसिन दे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक 1 ग्राम पर डे फॉर द 10 डेज, 10 डेज के लिए 1 ग्राम पर डे स्ट्रेप्टोमाइसिन चलेगी। सर्जिकल ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया, यंग्स ऑपरेशन, ठीक है, मॉडिफाइड यंग्स ऑपरेशन और नैरोइंग ऑफ द नेजल कैविटी, दीज ऑल थिंग्स कम अंडर द ट्रीटमेंट ऑफ एट्रोफिक राइनाइटिस। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन्यूवर के बारे में। ठीक है, तो आपको पता होगा कैटल टेस्ट, कैटल टेस्ट, देखिए कैटल टेस्ट जो होता है दो उंगली चीक्स पे ऊपर रखते हैं। ठीक है, तो इस टेस्ट को नेजल ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू एबनॉर्मलिटी, दिस इज यूज्ड फॉर द टेस्टिंग ऑफ नेजल ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू नेजल
एबनॉर्मलिटी, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू द एबनॉर्मलिटी इन द नेजल वॉल्व, और नेजल वॉल्व में एबनॉर्मलिटी है तो आप नाक के पास में चीक्स पे अगर दो उंगलियां रखोगे तो क्या होगा, उसको थोड़ा सा दबा के आप स्ट्रेच करोगे, किधर, दिस टेस्ट इज चेक ड्रॉन लेटरली व्हाइल पेशेंट इज तो आपको क्या होगा, व्हाइल पेशेंट जब हम उसको स्ट्रेच करेंगे, व्हाइल पेशेंट ब्रीथ्स, ठीक है, ब्रीथ्स क्वांटली, तब क्या होगा, इफ द नेजल एयरवे इज इंप्रूव्ड, अगर जो नेजल एयरवे है उसमें से जो सांस ले रहा है बंदा वो इंप्रूव होती है, ठीक है, एयरवे इंप्रूव होता है, पेशेंट को अच्छा फील होता है ऑन द टेस्ट ऑफ द साइड, तब क्या होगा, टेस्ट इज पॉजिटिव, बिकॉज स्ट्रेचिंग की वजह से वो सांस ठीक से ले पा रहा है, जैसे ही उसको वापस से छोड़ेंगे तो क्या होगा, एबनॉर्मलिटी विल इंडिकेट, ठीक है। तो इस पॉजिटिव टेस्ट में क्या होता है कि उसको इंप्रूवमेंट आता है, इसको क्या बोलते हैं, कैटल टेस्ट बोलते हैं, ठीक है, कॉटल टेस्ट बोलते हैं, इंडिकेट एबनॉर्मलिटी ऑफ द वेस्टिब्यूल कॉम्पोनेंट ऑफ नेजल वॉल्व, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, नेजल वॉल्व का जो वेस्टिब्यूल है, वेस्टिब्यूल का नेजल वॉल्व जो है उसकी एबनॉर्मलिटी को बताता है ये, ठीक है, कॉटल टेस्ट आपको पता चल गया कि क्यों करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कॉज ऑफ डिक्रीज्ड बोन कंडक्शन इन ऑडियोग्राम, ठीक है, ऑडियोग्राम के अंदर बोन कंडक्शन लॉस हो गया तो उसका कॉज क्या क्या हो सकते हैं, कोक्लियर पैथोलॉजी, ठीक है, कोक्लियर पैथोलॉजी इज द कॉज ऑफ नेजल डिक्रीजिंग द डिक्रीज द बोन कंडक्शन इन ऑडियोग्राम। देखिए बोन कंडक्शन कैन बी सीन, बोन कंडक्शन रिड्यूस्ड कैन बी सीन इन द कोक्लियर पैथोलॉजी, कंडक्टिव हियरिंग लॉस, देयर इज अ डिफेक्टिव एबनॉर्मलिटी एसोसिएटेड विद द कंडक्टिंग जोन लाइक ऑडिटरी कैनाल एंड ब्लॉकेज ऑफ द ऑसिकुलर और डिसरप्शन और फिक्सेशन, अगर ऐसा कुछ होता है। देखिए यूज ऑफ ऑडियोमेट्री ऑल्सो नोन एज प्योर टोन ऑडियोमेट्री, ठीक है, ऑडियोमेट्री जो हम यूज करते हैं उसको हम प्योर टोन ऑडियोमेट्री भी कहते हैं, ठीक है, ये किस लिए यूज होती है, हियरिंग लॉस प्रेजेंट और नॉट ये पता करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा टाइप एंड साइड ऑफ हियरिंग लॉस, किस टाइप का है, किस साइड का हियरिंग लॉस हुआ है, ठीक है, ये पता करने के लिए, और प्रेस्क्रिप्शन ऑफ हियरिंग एड, कुछ हियरिंग एड प्रिस्क्रिप्शन करना है जिससे कि बेस्ट हियरिंग हो सके पेशेंट को, ठीक है, तो उसके लिए भी हम ये टेस्ट करते हैं, है ना, ऑडियोग्राम यूज करेंगे या फिर प्योर टोन ऑडियोमेट्री यूज करेंगे, और टू प्रिडिक्ट द स्पीच रिसेप्शन थ्रेशोल्ड, स्पीच रिसेप्शन थ्रेशोल्ड को भी प्रिडिक्ट करने के लिए, ठीक है, हम लोग यूज करते हैं ऑडियोग्राम का, जिसे हम प्योर टोन ऑडियोमेट्री भी कहते हैं। तो बात ये थी यहाँ पे कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस रिड्यूज डिक्रीज बोन कंडक्शन, बोन कंडक्शन डिक्रीज किसमें होगा, कोक्लियर पैथोलॉजीज के अंदर बोन कंडक्शन लॉस मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लैरिंजियल क्रैपिटस इज सीन इन, तो लैरिंजियल क्रैपिटस आपको किस किस चीज में, लैरिंजाइटिस हो जाएगी तो लैरिंजियल क्रैपिटस आएंगे डेफिनेटली, ठीक है, और इट इज प्रेजेंट नॉर्मली इन एवरी इंडिविजुअल, लैरिंजियल क्रैपिटस तो आपको नॉर्मली हर आदमी के अंदर सुनाई देना ही चाहिए, ठीक है, और फ्रेगमेंट ऑफ द हायोड बोन एंड क्रिकोइड बोन कार्टिलेज, अगर हायोड बोन और क्रिकोइड बोन कार्टिलेज के फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, इन दैट केस आल्सो यू कैन लिसन लैरिंजियल क्रैपिटस, ठीक है, तो किसमें नहीं सुनाई देगा, पोस्ट क्रिकोइड कार्सिनोमा, अगर लैरिंजियल क्रैपिटस लॉस हो गया इसका मतलब इट मे बी अ पोस्ट क्रिकोइड कार्सिनोमा, इट मे बी अ पोस्ट क्रिकोइड कार्सिनोमा, तो आप याद रखिएगा पोस्ट क्रिकोइड कार्सिनोमा की जो डायग्नोसिस होती है, पोस्ट क्रिकोइड ग्रोथ may not be visible on the indirect laryngoscope, indirect laryngoscope पे आप नहीं देख पाओगे, ठीक है, edema and erythema of the postcricoid region and pooling the secretion in the hypopharynx are suggestive of the growth, मान लो आपकी region जो postcricoid region है उसके अंदर pooling होने लगती है, secretions की secretions fill होने लगते हैं, pooling होने लग जाएगी, ठीक है, तो ये pharynx के अंदर क्या होगा, सिक्रीशंस की अगर पूलिंग होने लग गई तो उस केस में क्या है, सिक्रीशंस की अगर पूलिंग होने लग गई तो क्या होगा, सिक्रीशंस की अगर पूलिंग होने लग गई तो इससे आपको समझ आ जाएगा कि इट मे बी अ एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द पोस्ट क्रिकोइड एरिया, ठीक है, पोस्ट क्रिकोइड एरिया में एबनॉर्मल ग्रोथ है, ठीक है, तो आप याद रखिएगा लैरिंजियल क्रैपिटस फेल्ट नॉर्मली वाइल मूविंग द लैरिंग्स, अगर लैरिंग्स मूव करेंगे तो लैरिंजियल क्रैपिटस फील होंगे, ठीक है, ओवर द सर्वाइकल स्पाइन, और इट मे बी लॉस्ट, ये लॉस्ट हो सकते हैं, नॉर्मली लैरिंग्स मूव विद द डिग्लुटेशन, डिग्लुटेशन के साथ में मूव करते हैं लैरिंग्स, इट कैन बी आल्सो मूव फ्रॉम द साइड टू साइड,
ठीक है, और प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूसिंग अ करेक्टरिस्टिक ग्रेटिंग साउंड, उसी को तो कहते हैं लेरिंजियल क्रैपिटस। ठीक है, और फिक्सिटी ऑफ द लैरिंग्स इंडिकेट द इन्फ्लेमेशन। अगर मान लीजिए लैरिंग्स फिक्स हो गए, फिक्सिटी हो गई, तो फिक्स हो गए तो क्या वो मूव करेंगे? नहीं करेंगे। और अगर मूव नहीं करेंगे तो लैरिंजियल क्रैपिटस विल लॉस्ट। तो लैरिंजियल क्रैपिटस अगर लॉस्ट है तो ये इन्फ्लेमेशन को बताएगा, इन्फिल्ट्रेशन को बताएगा, ग्रोथ को बताएगा सराउंडिंग द स्ट्रक्चर, और लॉस ऑफ द लैरिंजियल क्रैपिटस इज ड्यू टू द क्रिकॉइड पोस्ट क्रिकॉइड कार्सिनोमा। याद रखिएगा, पोस्ट क्रिकॉइड कार्सिनोमा के केस में लैरिंजियल क्रैपिटस लॉस हो जाते हैं, बाकी नॉर्मली लैरिंजियल क्रैपिटस विल सीन इन लैरिंजाइटिस। यू कैन सी, यू कैन लिसन द लैरिंजियल क्रैपिटस, लैरिंजाइटिस में सुन सकते हो, ठीक है, बट पोस्ट क्रिकॉइड कार्सिनोमा में डेफिनेटली लॉस हो जाएगा। हालांकि अगर फिक्सिसिटी हो गई है, इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा है, इट मे बी लॉस इन इन्फ्लेमेशन ऑल्सो, बट अगर एग्जामिनर आपको पूछ रहा है कि किसमें सुनाई नहीं देगा, तो उन्होंने लैरिंजाइटिस डाल दिया, उन्होंने इंडिविजुअल नॉर्मल डाल दिया, और उन्होंने हायोइड और हायोइड बोन और क्रिकॉइड बोन या क्रिकॉइड कार्टिलेज को डाल दिया, उसका फ्रेगमेंटेशन बता दिया, और साथ में डाल दिया पोस्ट क्रिकॉइड कार्सिनोमा, तो सब में सुनाई देगा, पोस्ट क्रिकॉइड कार्सिनोमा में नहीं सुनाई देगा। अगर सारी चीजें नॉर्मल डाली हुई हैं और इन्फ्लेमेशन ऑफ पोस्ट क्रिकॉइड इन्फ्लेमेशन दे दिया, ठीक है, इन दैट केस यू कैन चूज द इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो लैरिंजियल क्रैपिटस क्लिनिकल पर्पज से भी बहुत जरूरी है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, अ चाइल्ड प्रेजेंट विद हाई आर्च्ड पैलेट, हाईली आर्च्ड पैलेट है उसका, ठीक है, एंड माउथ ब्रीथिंग, हाईली आर्च्ड पैलेट है और माउथ ब्रीथिंग कर रहा है, सांस कहां से ले रहा है? मुंह से, एंड फेलियर टू थ्राइव, याद रखिएगा फेलियर टू थ्राइव, द प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या होगी इसमें? एडिनो हाइपरट्रॉफी। देखिए आप मेनली है ना इसके सिम्टम्स पे ध्यान दीजिए, एक तो हाई आर्क्ड पैलेट है, ठीक है, हाई आर्क्ड पैलेट, क्लियर, एंड माउथ ब्रीदिंग, क्या कर रहा है? माउथ ब्रीदिंग, माउथ ब्रीदिंग कर रहा है बच्चा, और फेलियर टू थ्राइव, फेलियर टू थ्राइव। अगर ऐसा कोई केस आ रहा है, इट इज अ एडिनोइड हाइपरट्रॉफी। क्या है ये? एडिनोइड हाइपरट्रॉफी, तो एडिनोइड हाइपरट्रॉफी का केस है ये। ठीक है, कैसे आप पहचानोगे कि एडिनोइड हाइपरट्रॉफी का केस है? तो देखिए, इसके अंदर एडिनोइड हाइपरट्रॉफी में डेवलपमेंट ऑफ हाईली आर्क पैरेट, सबसे पहला तो हाईली आर्क्ड पैलेट, ठीक है, पैलेट जो होगा ना वो आर्क शेप का होगा, है ना, धनुष की तरह एकदम कर्व होगा उसके अंदर, ठीक है, और स्नोरिंग करेगा, स्नोरिंग करेगा बच्चा, क्या करेगा? स्नोरिंग, एस एन ओ आर आई एन जी, स्नोरिंग करेगा, ठीक है, और साथ में क्या होगा उसको? माउथ ब्रीथिंग करेगा, स्लीप एपनिया आ जाएंगे, क्योंकि जैसे ही उसका मुंह बंद होगा तो वो ब्रीथिंग नहीं कर पाएगा, तो स्लीप एपनिया आ जाएंगे, ठीक है, स्लीप एपनिया, स्नोरिंग, माउथ ब्रीथिंग, और स्पीच एबनॉर्मलिटीज भी रहेंगी, इज अ फीचर ऑफ एडिनोइड हाइपरट्रॉफी। ये सारी चीजें एडिनोइड हाइपरट्रॉफी के फीचर हैं। एडिनोइड हाइपरट्रॉफी कैन ऑल्सो लीड टू द डेविएटेड नेजल सेप्टम। याद रखना कि एडिनोइड हाइपरट्रॉफी कैन लीड टू द डेविएट नेजल सेप्टम, ओके, तो भूलना नहीं है, इट कैन लीड टू द डेविएट ऑफ नेजल सेप्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हॉलमैन मिलर साइन। तो हॉलमैन मिलर साइन आप देखोगे कहाँ पे? हॉलमैन मिलर साइन जो होगा, ये हॉलमैन मिलर साइन कहाँ दिखता है? हॉलमैन मिलर साइन जब आप सीटी स्कैन करोगे, एंटीरियर पुशिंग ऑफ मैक्सिलरी साइनस कॉजिंग द चीक्स फुलनेस, क्या दिखेगा आपको? एंटीरियर पुशिंग ऑफ द मैक्सिलरी साइनस, और चीक्स आपको फुलनेस लगेगी चीक्स की, है ना, दिस इज द साइन ऑफन टर्म्ड एज ए हॉलमैन मिलर साइन। क्या दिखेगा? हॉलमैन मिलर साइन, आपको जो चीक्स है ना वो पूरा भरा भरा सा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो मैक्सिलरी साइनस है वो पुश हो गया, पुशिंग ऑफ द मैक्सिलरी साइनस, ठीक है, तो इस वजह से आपको क्या दिखेगा? चीक्स भरा भरा सा लगेगा, उसी को कहते हैं हॉलमैन मिलर साइन, और एंट्रल साइन भी बोलते हैं इसको। अगर पैथोजेनोमिक की बात करें तो दिस इज द पैथोजेनोमिक ऑफ एंजियोफाइब्रोमा। हॉलमैन मिलर साइन आपको किसमें दिखेगा? एंजियोफाइब्रोमा के केस में, तो मैं आपको यहां पर लिख देता हूं हॉलमैन मिलर साइन, और इसको एक साइन और बोलते हैं, चाहे तो बोलो हॉलमैन मिलर साइन या बोलो एंट्रल साइन, एंट्रल साइन, ठीक है,
तो ये दोनों जो साइन है ये कहाँ दिखते हैं आपको, एनजियो फाइब्रोमा के अंदर। एनजियो ये पैथोजेनोमिक है ऑफ एनजियो फाइब्रोमा, ठीक है, एनजियो फाइब्रोमा। तो याद रखिएगा फॉलमैन मिलर साइन एंड एंट्रल साइन इज अ पैथोजेनोमिक ऑफ द एनजियो फाइब्रोमा। अब यहाँ पे देखो देयर इज अ पुशिंग ऑफ आईबॉल ऑल्सो यू विल सी, ठीक है, इट इज टर्म्ड एज अ फ्रॉग साइन, क्योंकि अब फाइब्रो एनजियोमा हुआ है पीछे की तरफ ब्रेन में, डेफिनेटली इट विल पुश द आई बॉल ऑल्सो, और आई बॉल बाहर की तरफ पुश करेगा, उसे बोलते हैं फ्रॉग साइन। क्या बोलेंगे, फ्रॉग साइन। तो फ्रॉग साइन इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ फ्रॉग आई साइन, पूरा ऐसे बोल सकते हैं फ्रॉग आई साइन। तो फ्रॉग आई साइन इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ एनजियो फाइब्रोमा। तो आपको हॉलमैन मिलर साइन, एंट्रल साइन और फ्रॉग साइन, दीज आर ऑल रिलेटेड टू द एनजियो फाइब्रोमा, ठीक है। इसके अलावा हॉन्डूसा साइन, क्या मिलेगा हॉन्डूसा साइन, मैं यहाँ लिख देता हूँ हॉन्डूसा साइन। देखिए ये जब आई बाहर की तरफ निकली तो आपने क्या कहा, फ्रॉग साइन, फ्रॉग आई साइन, तो डेफिनेटली यू कैन से हॉन्डूसा साइन, होंडा जैसा हॉन्डूसा साइन इज अ फीचर ऑफ एनजियो फाइब्रोमा। देयर इज अ वाइडनिंग ऑफ गैप बिटवीन द रैमस ऑफ मैंडिबल एंड मैक्सिलरी बॉडी। तो देखिए जो मैक्सिलरी बॉडी होती है और जो मैंडिबल होती है, इन दोनों के बीच में जो गैप होता है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, वाइडनिंग हो जाता है। तो ये सारा इसे कहते हैं हॉन्डूसा साइन, दिस इज द फीचर ऑफ एनजियो फाइब्रोमा। तो हॉन्डूसा साइन, फ्रॉग आई साइन, हॉलमैन मिलर साइन, एंट्रल साइन, ऑल आर द फीचर ऑफ एनजियो फाइब्रोमा, ऑल आर द फीचर ऑफ एनजियो फाइब्रोमा। तो आप इसको एक बार सीटी स्कैन के ऊपर देख लीजिएगा, हॉलमैन मिलर साइन यू विल सी ऑन द सीटी स्कैन। इन्फेंट प्रेजेंटेड विद, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फेंट प्रेजेंटेड विद इंस्पायरेटरी स्टाइडर, क्लिनिकल पिक्चर क्या होगी, ठीक है। तो देखिए इसमें लैरिंगोमलेशिया के केस में क्या होता है, इंस्पायरेटरी स्टाइडर्स आते हैं किसको, इन्फेंट को। इन्फेंट के अंदर क्या मिलेगा आपको, इन्फेंट के अंदर मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ लैरिंगोमलेशिया, लैरिंगोमलेशिया की बात करें, इसके अंदर क्या मिलेगा, इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर्स, स्ट्राइडर, ठीक है। क्लिनिकल फीचर किसका है ये, और आप यहां पे क्या देखोगे, मैं आपको एक चीज और बताता हूं जो आपको दिखाई देगा। देखिए ओमेगा शेप्ड साइन दिखेगा, कैसा दिखेगा, ओमेगा शेप्ड साइन, ठीक है, ओमेगा शेप्ड साइन, तो आपको पता होगा इस तरीके से, है ना, ये ओमेगा शेप्ड साइन होता है। तो ये ओमेगा शेप्ड साइन दिखेगा आपको, तो लैरिंगो मलेशिया के अंदर आपको क्या दिखेगा, ओमेगा साइन आपको दिखेगा, ठीक है। ओमेगा शेप्ड ग्लॉटिस इज अ फीचर ऑफ, ओमेगा शेप्ड ग्लॉटिस इज अ फीचर ऑफ लैरिंगो मलेशिया, ठीक है, ये लैरिंगो मलेशिया का फीचर होता है। अब देखिए इट इज अ मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी इन द लैरिंग्स, याद रखिएगा लैरिंगो मलेशिया इज द मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी इन द लैरिंग्स। अब इसके अंदर क्या होता है, एक्चुअली ड्यू टू द एक्सट्रीम वीकनेस ऑफ द लैरिंग्स कार्टिलेज इट गिव्स द अपीयरेंस ऑफ सिंबल लाइक अ ओमेगा, ठीक है, एक्सट्रीमली वीक होता है लैरिंजियल कार्टिलेज, बहुत ज्यादा वीक होने के कारण ये कैसा अपीयरेंस देगा, लाइक अ ओमेगा सिंबल, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज बताना चाहूंगा, देखिए की होल एपिग्लॉटिस, अब आपको क्या है की होल एपिग्लॉटिस, ऐसे की होल होता है इस तरीके से, की होल एपिग्लॉटिस, ठीक है, ये ओमेगा और की होल में कंफ्यूज नहीं होना है। एक्चुअली की होल एपिग्लॉटिस किसके अंदर दिखेगा आपको, फोनेस्थीनिया, सीन इन की होल, सीन इन फोनेस्थीनिया, ठीक है, फोनेस्थीनिया, फोनेस्थीनिया के अंदर आपको की होल एपिग्लॉटिस दिखेगा। और थंब साइन ऑन एक्सरे कहां दिखता है, एक्यूट एपिग्लॉटिस में, कहां दिखेगा थंब साइन ऑन एक्सरे, एक्यूट एपिग्लॉटिस में। और टर्बन एपिग्लॉटिस लैरिंजियल ट्यूबरक्लोसिस के अंदर दिखेगा, किसके अंदर, टर्बन, टी यू आर बी ए एन, टर्बन एपिग्लॉटिस किसमें दिखेगा आपको, लैरिंजियल टीबी में, लैरिंजियल टीबी के अंदर, लैरिंजियल टीबी के अंदर आपको टर्बन एपिग्लॉटिस दिखेगा, लैरिंजियल टीबी, इसको कैसे याद करना, टर्बन टीबी, टर्बन एपिग्लॉटिस लैरिंजियल टीबी के अंदर दिखेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ क्रॉप। देखो आपने क्रॉप डिजीज के बारे में सुना होगा, सी आर ओ यू पी, क्रॉप डिजीज, ठीक है, एग्जामिनर ने पूछा है कि इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, पैरा इन्फ्लुएंजा इज द पॉजिटिव एजेंट, पैरा इन्फ्लुएंजा, क्या है, पैरा इन्फ्लुएंजा, ठीक है, पैरा इन्फ्लुएंजा इज द पॉजिटिव एजेंट, किसका, क्रॉप का, ठीक है। अब देखिए मैं क्रॉप के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, एक्चुअली
पॉजिटिव एजेंट ऑफ क्रॉप इज पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस वन, ठीक है, वी वन, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस वन होता है और टू भी होता है, एंड टू, ठीक है, ये दोनों ही पैरा इन्फ्लुएंजा वन और टू वायरस क्रॉप करा सकते हैं, ठीक है। क्रॉप के पॉजिटिव एजेंट क्या है, पैरा इन्फ्लुएंजा वन एंड टू। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एपिग्लॉटिस एंड एक्यूट लैरिंजियल ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस इन चिल्ड्रन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि क्रॉप, क्रॉप के अंदर आपको क्या मिलेगा, एक्यूट लैरिंजियल ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस, उसी को क्रॉप कहते हैं, ठीक है, और ग्रुप, तो इसको क्रॉप कहेंगे। तो हम अगर एक्यूट लैरिंजियल ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस की बात करें तो मैंने अभी अभी आपको बताया ना कि क्रॉप के अंदर पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस वन और सेकंड होते हैं, तो डेफिनेटली एक्यूट लैरिंजियल ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस के अंदर क्या होगा, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस वन एंड टू, चाहे तो उसे एक्यूट लैरिंजियल ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस कह दो या फिर क्रॉप कह दो, लगभग बात एक ही है। और 3 महीने से लेकर 3 साल तक का बच्चा क्रॉप से इन्फेक्टिव होता है। एपिग्लॉटिस एरिया, डेफिनेटली पैथोलॉजी एपिग्लॉटिस एरिया में होती है, ठीक है। अगर मैं प्रोड्रोमल सिम्टम्स की बात करूं तो सिम्टम्स डेफिनेटली प्रेजेंट होते हैं क्रॉप के अंदर, एक्यूट लैरिंगो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस के अंदर होते हैं, ठीक है। ऑनसेट बड़ा स्लो स्लो होता है ये क्रॉप, ठीक है, लो ग्रेड फीवर होगा या फीवर होगा ही नहीं या फिर लो ग्रेड होगा। लेकिन अगर मैं एक्यूट एपिग्लॉटिस की बात करूं, ग्लॉटाइटिस की बात करूं, तो एक्यूट एपिग्लॉटाइटिस जो कि थंब साइन दिखाता है एक्सरे के ऊपर, उसके अंदर एक तो सडन होता है और हाई फीवर होता है, काफी टॉक्सिक होता है, ठीक है। कफ यूजली एब्सेंट होती है उसमें, एक्यूट एपिग्लॉटाइसिस के अंदर यूजली कफ नहीं मिलेगी। आपको सोच के क्या आएगा कि भाई एपिग्लॉटिस है उस पर सूजन आएगी, डेफिनेटली इट शुड बी कफिंग, लेकिन उसके अंदर कफ नहीं होता, ठीक है। यूजली कफ एब्सेंट होती है, समटाइम कैन बी प्रेजेंट बट यूजली एब्सेंट होती है। स्टाइडर प्रेजेंट और मे बी मार्क्ड, काफी ज्यादा स्टाइडर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। लेकिन एक्यूट एपिग्लॉटाइटिस का जो आपको बैक्टीरिया मिलेगा वो पैरा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी पॉजिटिव एजेंट क्या है उसका, हीमोफिलस, एक्यूट एपिग्लॉटाइटिस का पॉजिटिव एजेंट है हीमोफिलस पैरा इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। और यहीं पर अगर एक्यूट ट्रेकियो, एक्यूट लैरिंगो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस की बात करें तो तब क्या होगा, तो भैया तब यहाँ पे जो रहता है पॉजिटिव एजेंट पैरा इन्फ्लुएंजा टाइप वन एंड टू होता है, ठीक है। और 2 से 7 साल तक की उम्र दी है तो एपिग्लॉटाइटिस होगा, ठीक है, एक्यूट एपिग्लॉटाइटिस 2 से 7 साल की उम्र में मिलता है। जबकि अगर 3 महीने से लेकर 3 साल तक की उम्र दी है तो उस केस में क्या होगा, लैरिंगो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बाकी आप फीवर से देख सकते हो, फीवर प्रेजेंट किसमें रहेगा और एब्सेंट किसमें रहेगा। देखिए बहुत ज्यादा हाई फीवर है एक्यूट एपिग्लॉटाइटिस, अगर पेशेंट को फीवर नहीं है या बहुत कम ऐसे लो है तो डेफिनेटली यू कैन चूज द क्रॉप, ठीक है, एक्यूट लैरिंगो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस आप चूज कर सकते हो उस केस में, क्लियर। चलिए अब ये आपको पता चल गया एपिग्लॉटिस और क्रॉप के बीच का डिफरेंसेस, ठीक है। हालांकि रेडियोलॉजिकल डिफरेंसेस अगर मैं बताऊं आपको क्रॉप और एक्यूट एपिग्लॉटाइटिस के बीच का, तो थंब साइन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एक्यूट एपिग्लॉटाइटिस के अंदर आपको क्या मिलेगा, थंब साइन ऑन लेटरल व्यू ऑफ एक्सरे, ठीक है। जबकि मैं क्रॉप की बात करूं, एक्यूट लैरिंगो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस की बात करूं, तो वहां पे स्टीपल साइन आएगा। स्टीपल साइन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि क्रॉप के अंदर आपको स्टीपल साइन दिखेगा, स्टीपल साइन ऑन एंट्रोपोस्टीरियर व्यू ऑफ द नेक, ठीक है। नेक का जब एंट्रोपोस्टीरियर व्यू होगा उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, स्टीपल साइन मिलेगा। तो याद रखिएगा क्रॉप के अंदर जो साइन मिलेगा, क्रॉप के अंदर क्या साइन मिलेगा, स्टीपल साइन, स्टीपल साइन, स्टीपल साइन, ओके। जबकि एक्यूट एपिग्लॉटाइटिस में क्या मिलेगा आपको, थंब साइन, थंब साइन, ठीक है। तो थंब साइन होगा लेटरल व्यू ऑफ एक्सरे पे, और थंब साइन क्या होगा, लेटरल व्यू ऑफ एक्सरे पे, और एंटेरो पोस्टीरियर व्यू ऑफ नेक करेंगे तब आपको स्टीपल साइन दिखेगा जो कि क्रॉप के अंदर दिखेगा। तो एक्यूट एपिग्लॉटाइटिस और क्रॉप साइन दोनों के बारे में आपको पता चल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 साल का बच्चा है, कम टू योर हॉस्पिटल, ठीक है, कंप्लेन ऑफ द सोर थ्रोट एंड डिफिकल्टी इन सॉलोइंग, ठीक है, हिज लेफ्ट टॉन्सिल इज पुश्ड मीडियली। अब देखिए उसका लेफ्ट टॉन्सिल जो है वो मीडियली पुश हो गया है, कहाँ पुश हो गया, मीडियली, व्हाट इज द डायग्नोसिस। तो जब भी मीडियली पुश होता है मतलब की बात यह है कि उसके अंदर क्या हो गया, पैरा फेरेंजियल प्रॉब्लम हो गई फेरिंग्स के पास में। देखिए फेरेंजियल उसको, उसको जो टॉन्सिल है ना वो मूव करा है मीडियली, टॉन्सिल साइड में लेफ्ट में होते हैं, ये मीडियली मूव करा है, यानी कि टॉन्सिल के साइड में कुछ ना कुछ हो रहा है ना, तो वो कहाँ हो रहा है, किस जगह पे, पैराफेरेंजियल, पैराफेरेंजियल एब्सिस के केस में टॉन्सिल क्या करेगा, मीडियली मूव कर जाएगा, पैराफेरेंजियल के केस में टॉन्सिल क्या करेगा, मीडियली मूव कर जाएगा, ठीक है। तो देखिए पैराफेरेंजियल स्पेस जो होता है ये पिरामिडल शेप का स्पेस होता है, आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा, ठीक है, पिरामिडल शेप का स्पेस होता है विद द बेस ऑफ द स्कल एंड इट्स एपेक्स ऑफ द थायरॉइड, सॉरी हायोइड बोन, एपेक्स कहाँ होगी, हायोइड बोन, ठीक है, तो एपेक्स ऑफ द हायोइड बोन, एपेक्स एट द हायोइड बोन। अब
पैराफेरेंजियल स्पेस कम्युनिकेट करता है विद अदर स्पेसेस ऑल्सो। कौन से अदर स्पेसेस होते हैं? जैसे सबमेंडिबुलर स्पेस, कैरोटिड, है ना, और कैरोटिड के अलावा पैरोटिड स्पेस और रेट्रोफेरेंजियल स्पेस। ठीक है, अगर इन्फेक्शन होता है, मान लीजिए कहीं भी इन एरियाज में इन्फेक्शन होगा, तो वो इन्फेक्शन कैन कॉज अकर फ्रॉम किस, कहां से इन्फेक्शन हो सकता है? रेट्रोफेरेंजियल स्पेस में, सब मैंडिबुलर स्पेस में, कैरोटिड स्पेस में, पैरोटिड स्पेस में, इन सारे स्पेसेस में कहां से आएगा इन्फेक्शन? पैराटॉन्सिलर एप्सिस से, पैराटॉन्सिलर एप्सिस से आ सकता है, पैरोटिड एप्सिस से आ सकता है, सब मैंडिबुलर इन्फेक्शन से आ सकता है, और मैस्टिकेटर स्पेस एप्सिस से आ सकता है। इन सारी चीजों से, क्योंकि पैराफेरेंजियल स्पेस का कम्युनिकेशन होता है रेट्रोफेरेंजियल के साथ, सब मैंडिबुलर के साथ, कैरोटिड एंड पैरोटिड स्पेसेस के साथ में, तो इसलिए पैरोटिड पैरोटार क्या बोलते हैं पेरिटोन, तो इसकी वजह से पेरिटोन्सिलर एप्सिस हुई, तो डेफिनेटली इट विल गो टू द पैराफेरेंजियल स्पेस में, और पैराफेरेंजियल स्पेस में जब जाएगा, ठीक है, तो ये वहां पर स्वेलिंग करेगा। पैरोटिड एप्सिस से जा सकता है, मैंडिबुलर ग्लैंड इन्फेक्शन से जा सकता है, और मैस्टिकेटर स्पेस एप्सिस से जा सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखिए क्लिनिकल फीचर क्या होंगे, अगर मान लीजिए पैराफेरेंजियल स्पेस के अंदर क्या हो गया है, यहाँ पे पैराफेरेंजियल एप्सिस बन गया। अब अगर पैराफेरेंजियल एप्सिस बन गया तो व्हाट इज द क्लिनिकल फीचर? एंटीरियर कंपार्टमेंट में है, प्रोड्यूस द ट्रेड ऑफ सिम्टम्स। कौन से ट्रेड प्रोड्यूस करेगा पैराफेरेंजियल एप्सिस? व्हाट टाइप ऑफ सिम्टम्स, व्हाट टाइप ऑफ ट्रेड विल प्रोड्यूस? तो इस ट्रेड के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं फेरेंजियल बल्ज बिहाइंड द पोस्टीरियर पिलर। क्या होगा ट्रेड के अंदर? फेरेंजियल बल्ज, फेरिंग्स जो है वो बल्ज कर जाएंगे पोस्टीरियर प्लेट पिलर के पीछे, बिहाइंड द पोस्टीरियर पिलर। और क्या होगा? पैरालिसिस ऑफ क्रेनियल नर्व 9th, 10th, 11th, 12th। क्या हो जाएगा? पैरालिसिस ऑफ 9th, 10th, 11th, 12th क्रेनियल नर्व का। ठीक है, तो अगर 9th, 10th, 11th, 12th क्रेनियल नर्व के पैरालिसिस और उससे रिलेटेड कोई भी सिम्टम डाल रहा है, इट कैन बी अ पैराफेरेंजियल एप्सिस। ठीक है, और स्वेलिंग एट द एंगल ऑफ जॉ। तो तीन चीज दिखी हमको, क्या दिखा? टॉन्सिल और पैराटॉन्सिलर फोसा प्रोलैप्स। ठीक है, क्या होगा ट्रेड के अंदर क्या दिखेगा हमको? ट्रेड के अंदर क्या दिखेगा? क्लिनिकल फीचर डिपेंड अपॉन द इन्वॉल्व ऑफ कंपार्टमेंट। ठीक है, एंटीरियर कंपार्टमेंट, तो इसका जो ट्रेड होगा प्रोड्यूस होगा उसके अंदर हमको क्या क्या दिखेगा? तो सबसे फर्स्ट तो हमको दिखा टॉन्सिल एंड पैराटॉन्सिलर फॉसा प्रोलैप्स हो जाएगा। दूसरा क्या दिखा हमको? ट्रिसमस। ट्रिसमस क्या है? ड्यू टू स्पाज्म ऑफ मीडियल टेरिगॉइड मसल और स्वेलिंग एट द एंगल ऑफ जॉ। दिस इज द ट्रेड, टॉन्सिल, ठीक है, और टॉन्सिलर फॉसा प्रोलैप्स, ट्रिसमस और स्वेलिंग एट द एंगल ऑफ जॉ। अगर ये तीन चीजें दिखती हैं, देन व्हाट विल डू, फिर हम क्या करेंगे? हम सोचेंगे कि इट इज अ केस ऑफ पैराफेरेंजियल एप्सिस। ठीक है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की बात मैंने आपको बताई दी कि फेरेंजियल बल्ज बिहाइंड द पोस्टीरियर पिलर, पैरालिसिस ऑफ, अगर ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में होता है पैराफेरेंजियल एप्सिस इनटू द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, देन व्हाट विल डू? एंटीरियर कंपार्टमेंट में तो ट्रेड बनेगा टॉन्सिलर एंड पैराटॉन्सिलर, टॉन्सिलर एंड टॉन्सिल एंड टॉन्सिलर फॉसा प्रोलैप्स हो जाएगा, ट्रिसमस हो जाएंगे, स्वेलिंग एट द एंगल ऑफ जॉ। ये एंटीरियर कंपार्टमेंट इन्वॉल्वमेंट की वजह से होगा। अगर इसका पोस्टीरियर कंपार्टमेंट इन्वॉल्वमेंट होता है, देन व्हाट हैपेंड, देन क्या होगा? फेरेंजियल बल्ज बिहाइंड द पोस्टीरियर पिलर, पैरालिसिस 9th, 10th, 11th, 12th क्रेनियल नर्व, सिंपैथेटिक चेन, ठीक है, इसकी पैरालिसिस हो जाएगी एंड स्वेलिंग ऑन द पैरोटिड रीजन। पैरोटिड रीजन में स्वेलिंग होगी और फीचर्स कुछ कैसे होंगे? फीवर, ठीक है, ओडिनोफेजिया, सोर थ्रोट, टॉन्स, टॉर्टिकोलिस एंड द अदर सिम्टम्स ऑल्सो इंक्लूडेड। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मिल सकती हैं। इसमें एक मेन चीज है लुडविक एंजाइना, इन्फेक्शन ऑफ सब मैंडिबुलर ग्लैंड। याद रखिएगा, लुडविक एंजाइना अगर आता है तो दिस इज द इन्फेक्शन ऑफ सब मैंडिबुलर ग्लैंड। लुडविक एंजाइना इज अ इन्फेक्शन ऑफ सब मैंडिबुलर ग्लैंड। अगर रेट्रोफेरेंजियल एप्सिस है, कॉमनली सीन इन लेस देन 3 ईयर ओल्ड ऑफ चाइल्ड, अगर 3 साल से छोटा बच्चा है तो उसके अंदर रेट्रोफेरेंजियल एप्सिस मिल सकता है, कॉमनली देखने को मिलता है। ठीक है, डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, स्ट्राइडर और टॉर्किओसिस, ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग बॉय कम टू द ओपीडी। एक यंग बॉय ओपीडी में आता है, कम टू द ओपीडी, कंप्लेन ऑफ द डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। अब देखिए ब्रीदिंग में डिफिकल्टी है, ठीक है, यंग बॉय है, कम टू द ओपीडी, कंप्लेन ऑफ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ऑन एग्जामिनेशन पॉलिप्स वर फाउंड, पॉलिप्स वर फाउंड, व्हाट विल बी द इनिशियल मैनेजमेंट। देखिए अगर कोई भी यंग बॉय आता है उसको पॉलिप्स मिलता है, नेजल पॉलिप्स, तो अगर पॉलिप्स मिला है, बायलैटरल पॉलिप्स मिला है, तो इसका एग्जामिनेशन क्या, वो ट्रीटमेंट क्या होगा? भैया इसका कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी मैनेजमेंट नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर पॉलिप्स अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, तो हम केवल इसको एंटी हिस्टामिन देंगे। क्या देंगे? एंटी हिस्टामिन।
अगर आपके पास कोई ऐसा केस है डेफिनेटली यू विल प्रिस्क्राइब एंटीस्टामिन ओनली, बिकॉज इसमें और ज्यादा किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो पॉलिप्स अगर देखिए नेजल पॉलिप्स इनिशियली मैनेज विद द एंटीस्टामिन ड्रग बिकॉज कॉमनली कॉज साइट ऑफ पॉलिप्स चाइल्ड के अंदर मैक्सिलरी साइनस में सबसे ज्यादा जो आपको पॉलिप्स है देखने को मिल सकते हैं, मैक्सिलरी साइनस जो है इन्फेक्टिव ओरिजिन के अंदर, इन्फेक्टिव इन ओरिजिन। ठीक है, और एडल्ट में अगर आप देखोगे चाइल्ड में क्या मैक्सिलरी साइनस के अंदर पॉलिप दिखेंगे, एडल्ट में आप देखोगे इथमोइडल साइनस के अंदर दिखेंगे, एलर्जिक ओरिजिन होता है यहाँ पे। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होगा पॉलिप के लिए, तो ये फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी के द्वारा निकाले जाते हैं, फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी यूज की जाती है। ठीक है, तो फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी यूज की जाएगी। ओके, किसके केस में, साइनस पॉलिप्स के केस में, और एडल्ट में इथमोइड साइनस में देखने को मिलेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑफिस हेडेक इज ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ विच साइनस। तो देखिए ऑफिस हेडेक जो होता है वो फ्रंटल साइनस की वजह से, ऑफिस हेडेक ड्यू टू फ्रंटल साइनस, फ्रंटल साइनस के इन्फ्लेमेशन की वजह से होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एडम्स एप्पल इन मेल इज ड्यू टू, एडम्स एप्पल्स क्या होता है आपको पता है, थायराइड कार्टिलेज इज कॉल्ड एडम्स एप्पल, थायराइड कार्टिलेज की वजह से। ठीक है, थायराइड कार्टिलेज की वजह से क्या दिखता है, एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल इज ड्यू टू थायराइड कार्टिलेज। ठीक है, एडम्स एप्पल ड्यू टू थायराइड कार्टिलेज की वजह से है। देखिए एक्चुअली क्या होता है, एडम्स एप्पल्स इन मेल में दिखता है थायराइड कार्टिलेज, क्योंकि थायराइड कार्टिलेज लार्ज होता है मेल के अंदर ड्यू टू द हाई टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, एनाटॉमिकली इट इज लोकेटेड एट द लेवल ऑफ C4, तो एग्जामिनर कैन बी आस्क यू एडम्स एप्पल आर प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ विच वर्टिब्रा, देन C4 के लेवल पे एडम्स एप्पल होता है। ठीक है, C4 के लेवल पे होता है, और टू आला होते हैं इसके अंदर, जैसे कि थायराइड कार्टिलेज के टू आला हैं, वो दोनों ही मीट करते हैं एट द मिड लाइन और फॉर्म करते हैं एंगल। ठीक है, मेल्स के अंदर इसका जो रेशियो रहेगा वो 900, ठीक है, मेकिंग मोर प्रोमिनेंट, जबकि फीमेल्स के अंदर कितना 1200, तो फीमेल के अंदर इतना प्रोमिनेंट नहीं होता, बट वो पूछ सकता है रेशियो कि आपको फीमेल के अंदर और मेल के अंदर कितना होता है। तो देखिए मेल के अंदर 900 है फिर भी मोर प्रोमिनेंट है, याद रखना, और फीमेल के अंदर 1200 बट मोर प्रोमिनेंट नहीं होता, मेल के अंदर मोर प्रोमिनेंट होता है एडम्स एप्पल। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू अबाउट द मीनियर्स डिजीज, मीनियर्स डिजीज। तो देखिए मीनियर्स डिजीज की अगर मैं बात करूं तो ये जो मीनियर्स डिजीज होती है ये इडियोपैथिक ओरिजन है, इसका अभी तक नहीं पता कि क्यों होती है। इडियोपैथिक है मीनियर्स डिजीज, लो फ्रिक्वेंसी हियरिंग लॉस होता है मीनियर्स डिजीज के अंदर। क्या होता है मीनियर्स डिजीज, चलिए मैं यहां लिख देता हूं मीनियर्स डिजीज। ठीक है, तो मीनियर्स डिजीज जो होती है, मीनियर्स डिजीज ये क्या है, इडियोपैथिक ओरिजिन है, लो फ्रिक्वेंसी हियरिंग लॉस होता है, और एंडोलिम्फ इंक्रीज हो जाता है इसके अंदर। मीनियर्स डिजीज के अंदर क्या होगा, एंडोलिम्फ इंक्रीज, मेन पॉइंट एंडोलिम्फ इंक्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मीनियर्स डिजीज के अंदर एंडोलिम्फ क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, और इसके इंक्रीज होने की वजह से लो फ्रिक्वेंसी साउंड जो होते हैं, दैट इज अ लो फ्रिक्वेंसी साउंड विल डिक्रीज, लो फ्रिक्वेंसी हियरिंग लॉस, लो फ्रिक्वेंसी हियरिंग लॉस। ठीक है, ये आपको मीनियर्स डिजीज के अंदर देखने को मिलता है। मीनियर्स डिजीज के बारे में थोड़ा सा और मैं अगर आपको बताना चाहूं तो देखिए मीनियर्स डिजीज इज ऑल्सो नोन एज अ एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंडोलिम्फ इसके अंदर इंक्रीज हो जाता है, तो इसको एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो मीनियर्स डिजीज को क्या बोलेंगे, एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स। ठीक है, थ्री इंक्रीज्ड, देयर इज अ इंक्रीज्ड ऑफ एंडोलिम्फेटिक प्रेशर, एंडोलिम्फ बढ़ेगा डेफिनेटली उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, और ये ड्यू टू इंक्रीज द एंडोलिम्फ सिक्रीशन, किसकी वजह से बढ़ता है ये प्रेशर, एंडोलिम्फ का सिक्रीशन बढ़ जाता है, और या फिर दूसरा तरीका ये कि आउटफ्लो डिक्रीज हो जाएगा, या तो सिक्रीशन बढ़ जाएगा या आउटफ्लो डिक्रीज हो जाएगा एंडोलिम्फ का, तो इसमें क्या हो जाता है मीनियर्स डिजीज या एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स। ठीक है, एग्जैक्ट कॉज अभी तक पता नहीं है। ठीक है, बट इसे हम एलर्जी और हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट में भी देखने को मिलता है, कई बार वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन की वजह से भी एंडोलिम्प बढ़ जाता है। ठीक है, तो इट कैन बी, बट एग्जैक्ट कॉज अभी तक नहीं पता कि एंडोलिम्प इतना होता क्यों, दैट्स व्हाई इट इज अ इडियोपैथिक ओरिजिन। ठीक है, पेशेंट प्रेजेंट होगा तो कैसे, उसके पास एक ट्रेड के साथ मीनियर्स डिजीज के अंदर या फिर एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स के अंदर जो ट्रेड बनेगा, पेशेंट की जो प्रेजेंटेशन होगी उसका ट्रेड बनेगा, तो वो ट्रेड क्या होगा, तो एक तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, ठीक है,
एंड वर्टिगो, एपिसोडिक वर्टिगो, एपिसोडिक वर्टाइगो, ठीक है, एपिसोडिक वर्टाइगो एंड टिनिटस, टिनिटस, ठीक है। ये ट्रेड दिखेगा आपको किसके अंदर, ये ट्रेड आपको किसके अंदर दिखेगा, मिनियर्स डिजीज के अंदर, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, मिनियर्स डिजीज, इसका ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट रीएश्योरेंस, ठीक है, लो सॉल्ट डाइट दे दो पेशेंट को, अवॉइड करो वाटर इनटेक कि ज्यादा पानी ना पिए, ठीक है, सजेशन ऑफ स्मोकिंग, स्मोकिंग को बंद करो, कॉफी टी अल्कोहल जैसी चीजें ले रहा है वो सारी चीजें बंद कराओ, और सर्जिकल इन्वेंशन भी कर सकते हैं, सर्जिकल ऑप्शंस भी है अपने पास, लाइक इंट्राटिम्पेनिक जेंटामाइसिन भी दे सकते हैं, ठीक है, और वेस्टिबुलो टॉक्सिक एजेंट भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं, सो प्लीज डोंट फॉरगेट अबाउट इट। हालांकि वेजो डायलेटर सिडेटिव लाइक्स प्रोक्लोर और पैराजिन दे सकते हैं, प्लोक्लोर पैराजिन, ठीक है, वेजो डायलेटर्स दे सकते हैं, और साथ में बीटा हिस्टामिन वगैरह भी दे सकते हैं, और लूप डायबिटिक्स कैन बी यूज्ड आल्सो टू डिक्रीज द वाटर कंटेंट, ठीक है, वाटर रिटेंशन। तो ऐसा मानते हैं अगर वाटर रिटेंशन की वजह से है तो वाटर रिटेंशन को कम करेंगे, डेफिनेटली लिम्फेटिक हाइड्रॉप्स भी डिक्रीज हो जाएगा, मिनियर्स डिजीज में भी फायदा मिलेगा, सिम्टम्स ऑफ डाइट कैन बी डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, अपॉन द एग्जामिनेशन ऑफ द ओरल कैविटी वर पल्सेशन फेल्ट, ओरल कैविटी का एग्जामिनेशन कर रहे हैं, वहां पे पल्सेशन फेल्ट हो रहा है, कहां, एट द टॉन्सिलर एरिया, अगर टॉन्सिलर एरिया में पल्सेशन फेल्ट है तो इसका मतलब समझ लो टॉन्सिलर एरिया में पल्सेशन है तो उसके पास वाली कोई ना कोई आर्टरी के ऊपर एनोरिज्म बन गया, ठीक है, या आर्टरी के ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो जब भी ऐसा फील हो पेशेंट इस तरीके का, एग्जामिनर इस तरीके का कुछ सिनेरियो क्रिएट करता है, इन दैट केस व्हाट यू विल डू, पेशेंट प्रेजेंटेड विद द पल्सेशन एट द टॉन्सिल, दिस इज द कॉज ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एनोरिज्म, मोस्ट कॉमनली आपको देखने को मिलेगा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एनोरिज्म, ठीक है। अब देखिए, अपॉन द एग्जामिनेशन अगर टॉन्सिल एंड टॉन्सिलर पिलर पल्पेशन हो जाता है, ठीक है, और ऑफ द टॉन्सिल विद द ग्लव्स फिंगर ऑफ एसेंशियल, तो फॉलोड द फाइंडिंग कैन बी नोटेटेड, क्या 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 फाइंडिंग हो सकती है, कंसिस्टेंसी ऑफ द मास इज हियर, हार्ड हार्ड मास होगा तो मैलिग्नेंसी होगी, अगर मान लो हार्ड मास है, देयर इज नो पल्सेशन तो मैलिग्नेंसी है, ठीक है, टॉन्सिलोलिथ है, मतलब टॉन्सिलोलिथ का मतलब है टॉन्सिल जो है उसका लिथ हो गया, स्टोन जैसा फॉर्म हो जाता है ना, ठीक है, टॉन्सिलोलिथ है अगर हार्ड है तो, लेकिन पल्पेशन हो रहा है उसके ऊपर, पल्स लाइक फील हो रही है टॉन्सिलर एरिया में, तब तो कैरोटिड आर्टरी एनोरिज्म है डेफिनेटली, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, दिस इज द सम बेसिक और द मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन विच वी हैव डिस्कस्ड हियर, ठीक है, इसके बाद हम ENT को टॉपिक वाइज कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, एनाटॉमी से लेके एवरी टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।